तानी हंटर्स अपने लेफ्ट बाएं हाथ के गेंदबाज से आज पारी की शुरुआत करेंगे। पहली गेंद सुंदरम द्वारा, ऑफ साइड पे ड्राइव किया है, सिंगल की मांग, देखते हैं क्या होता है और ये रन आउट। नहीं, आउट दे दिया। यहां पर पहला विकेट पुमा ट्राइडेंट्स का, यहां पर रनआउट के द्वारा दो दुम आउट होते हुए शून्य रन पे एक गेंद खेल के काफी बेहतरीन शुरुआत तानी हंटर्स की। पुमा ट्राइडेंट्स के अगले बल्लेबाज हैं अमन। दूसरी गेंद सुंदरम द्वारा रक्षात्मक तरीके से अमन ने पॉइंट दिशा की तरफ खेल दिया, नो रन। तीसरी गेंद फॉरवर्ड डिफेंस करते हुए अमन बहुत ही रक्षात्मक तरीके से खेल रहे हैं, पहली गेंद पे रनआउट हो गए उनके बल्लेबाज। अंदरूनी किनारा लग गया था अमन का, एक रन चुराते हुए। काफी खूबसूरत मौसम यहां पर पीडीसीए ग्राउंड में, सुबह बारिश की वजह से पहला खेल नहीं हो पाया था, लेकिन ग्राउंड स्टाफ की यहां दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने ग्राउंड को बहुत अच्छे से सुखाया ताकि दूसरा मैच हो सके। बहुत ही रक्षात्मक तरीके से निगम ने बल्लेबाजी करते हुए यहां पर कोई भी वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, एक विकेट ऑलरेडी गिरा हुआ है। एक ओवर की समाप्ति पे पोमा ट्राइडेंट्स एक रन पे एक विकेट। पिछले 3 मैचों से काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अमन, तीनों मैचों में उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, आज देखते हैं वो क्या करते हैं। अभी वो स्ट्राइक पे हैं।
तानी हंटर्स की तरफ से दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं तेची डोल। दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज हैं। अमन फेस करते हुए टेची डोल को। आउटस्विंग होती हुई यहां पर बहुत ही रक्षात्मक तरीके से अमन ने खेला, एक रन चुराया अपनी टीम के लिए। तेची डोल की बहुत ही अच्छी सीम पोजीशन थी इस गेंद पर, बाहर जाती हुई गेंद रक्षात्मक तरीके से अमन ने खेला। पहली विकेट का पतन पोमा का। अब बल्लेबाजी पर मौजूद निगम और अमन एक अच्छे स्कोर की तरफ देख रहे होंगे। चौतरफा बादलों से घिरा एबी क्रिकेट ग्राउंड, बहुत ही सुंदर ग्राउंड। काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए तेची डोल, जिन्होंने सिर्फ एक रन दिए अपने तीन गेंदों में। पॉइंट की दिशा पे कट मारा था लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं। निगम जो कि 5 गेंदे खेल चुके हैं और 0 रन पे हैं, अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं। आउटस्विंग होती हुई गेंद बीट किया आउटसाइड एज को, काफी बेहतरीन गेंदबाजी तेजी डोल की। अभी तक मात्र 2 रन बने हैं। बाहरी किनारा, 1 रन, 2 ओवर की समाप्ति पर 3 रन। सुंदरम अपने दूसरे ओवर को लेकर रेलवे ट्रैक एंड से बॉल डालते हुए, निगम फेस करेंगे उन्हें।
रक्षात्मक तरीके से खेला है निगम ने, कोई रन नहीं। काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सुंदरम तानी हंटर्स की तरफ से। बड़ी हिट मारने का कोशिश किया निगम ने लेकिन असफल रहे, अंदरूनी किनारा लगा, पॉइंट दिशा की तरफ, कोई रन नहीं। काफी जूझ रहे हैं यहां पर निगम अपने बल्लेबाजी से काफी देर से। कट खेला है पॉइंट दिशा की तरफ से, बाउंड्री की तरफ जाती, चार रन। काफी बेहतरीन शॉट निगम द्वारा, छोटी गेंद थी सुंदरम की तरफ से जिसका भरपूर लाभ उठाया निगम ने और अपने टीम के लिए चार अंक दर्जित किए। निगम ने पिछले ही मैच पे एक अर्धशतक मारा था लाल आने किंग्स के लिए। रक्षात्मक तरीके से खेला, एक्स्ट्रा कवर की दिशा पे, कोई रन नहीं। काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं सुंदरम, अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं, काफी किफायती साबित हुए हैं। शॉर्ट फाइनल की तरफ एक रन चुराया निगम ने, अमन है स्ट्राइक पर। काफी ही बेहतरीन गेंदबाजी सुंदरम द्वारा, मात्र 5 रन दिए हैं उन्होंने अपने 1.5 गेंदों में। छोटी गेंद पर पुल शॉट लगाया अमन ने, 2 रन की मांग और ये 2 रन पूरा करेंगे बड़े आसानी से। आउटफील्ड बारिश की वजह से थोड़ी स्लो है इसलिए बॉल ट्रैवल उतना नहीं कर रहा। काफी सुनहरा मौसम यहां पर, ठंडी हवाएं चलती हुई, क्रिकेट के लिए काफी ही बेहतरीन मौसम है ये। अपना दूसरा ओवर लेके आते हैं तेची डोल और निगम उन्हें फेस करते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी तेची डोल की, आउट स्विंग हुई और आउटसाइड एज बीट हुआ निगम द्वारा। काफी देर से वो जूझ रहे हैं, बैट से संपर्क नहीं हो पा रहा है ठीक से उनका और गेंदबाजी तानी हंटर्स द्वारा शानदार की जा रही है। पॉइंट दिशा की तरफ जाती हुई गेंद, 2 रन की मांग करेंगे और यहां 2 रन मिलता हुआ। काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों बैट्समैन द्वारा। पावर प्ले चलता हुआ यहां पर, रन गति थोड़ी सी कम है। पुमा ट्राइडेंट्स चाहेगी कि वो इस पावर प्ले का भरपूर लाभ उठाए। काफी बाहर गेंद थी, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, अपने लाइन से भटक गए हैं तेची ढोल थोड़े देर के लिए। अभी तक काफी किफायती और अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे।
काफी रक्षात्मक तरीके से निगम खेल रहे हैं। एक रन की मांग की थी बट अमन ने मना कर दिया। पहला विकेट ऑलरेडी एक रन आउट हो चुका है। पुमा ट्राइडेंट्स टू विन द मैच वर्सेस तानी हंटर्स, आंसर इन यस और नो ऑन प्रोवो ऐप एंड मेक प्रॉफिट्स। पॉइंट दिशा की तरफ खेला था, कोई रन नहीं। काफी बेहतरीन फील्डिंग यहां पर। तीन दशमलव चार ओवर हो चुका है और पुमा ट्राइडेंट्स का स्कोर 13 रन एक विकेट, करंट रन रेट 3.5 पे चलता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी तेजी डोल द्वारा फिर से बाहरी किनारा बीट कर गए हैं। निगम जो पिछले मैच में काफी लय में नजर आ रहे थे, आज उन्हें थोड़ा स्ट्रगल करना लग रहा है। ओवरकास्ट कंडीशन का काफी बेहतरीन यूज करते हुए तेजी डोल अपने स्विंग को चला रहे हैं। फिर से पॉइंट दिशा की तरफ खेला है, कट शॉट, फिर फील्डर की तरफ, कोई रन नहीं। 4 ओवर की समाप्ति पे 13 रन एक विकेट, पुमा ट्राइडेंट्स। अपना तीसरा ओवर लेके आ रहे हैं सुंदरम। अल्फाबेट हॉस्पिटल, मेन रोड, निर्जुली, पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट पे अपना तीसरा ओवर लेके आ रहे हैं सुंदरम। अमन फेस करेंगे जो कि 5 गेंदों पे 4 रन बना के खेल रहे हैं। कट शॉट खेलने की कोशिश, कोई टाइमिंग नहीं, सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। काफी दबाव महसूस कर रहे हैं यहां पर दोनों बल्लेबाज। T20 का गेम है जो कि माना जाता है बहुत तेज। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, अंदरूनी किनारा, सीधा मिड विकेट के हाथों पे एक रन। काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सुंदरम, यहां कोई रन नहीं दिया उन्होंने अपने 2 ओवरों में। यहां 2 गेंदे और कर चुके अपने तीसरे ओवर की, केवल 9 रन दिया है। बहुत ही करीबी मामला हो सकता था अमन के लिए, लेकिन बहुत ही बेहतरीन यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों बल्लेबाज द्वारा। वो जानते हैं यहां पर जब बाउंड्री नहीं निकल रही तो सिंगल से ही रन बनाना पड़ेगा। वॉकआउट है सर, नॉट आउट है वैसे। बहुत ही रिस्की रन था लेकिन अमन ने अपना रन पूरा किया।
सुंदरम अपने अगले गेंद की तरफ, अमन बल्लेबाजी करते हुए। सीधी हिट लगाई है यहां पर अमन ने सुंदरम को, सिर्फ एक ही रन होगा, यहां बाउंड्री नहीं आ रही है। काफी स्लो आउटफील्ड हो रखा है पिछले रात की बारिश की वजह से। यहां लेग ग्लांस कर दिया है, 2 रन की मांग थी, 2 रन पूरा करेंगे बल्लेबाज। बाउंड्री नहीं आ रही है, लेकिन यहां पर सिंगल और डबल से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4.5 ओवर्स में। यहां कप्तान फील्डिंग चेंज करते हुए, पांच ओवरों की समाप्ति पे पोमा ट्राइडेंट्स 18 रन 1 विकेट। सुंदरम काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। अल्फाबेट ग्रुप ऑफ स्कूल्स, निर्जुली दोईमुख, नहरलगुन, करीसंगा 0। फैसिलिटीज डिफरेंट स्कूल्स एज पर योर कन्वीनियंस, सेपरेट स्कूल फॉर गर्ल्स बॉयज एंड प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी। एक्टिव प्रोमोटर्स ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, क्वालिटी एडुकेशन विथ मिनिमम फीस, 24x7 CCTV, SRV सर्वेलेंस इन होल कैंपस। हरी अप, एडमिशन स्टार्टेड इन ऑल ब्रांचेस विद डिस्काउंट ऑफर्स। अमन बल्लेबाजी करते हुए, आउट स्विंग गेंद, रक्षात्मक तरीके से खेला, गली फील्डर के हाथों में कोई रन नहीं। काफी दबाव महसूस कर रहे होंगे दोनों बल्लेबाज, पूरे पावर प्ले का लाभ उठा नहीं पाए उन्होंने। धोल जो कि काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे, अपने 2 ओवरों में मात्र 5 रन दिया है। उठा के खेला है यहां पर बल्लेबाज ने, 4 रन। अमन द्वारा पहला अग्रेसिव शॉट मिड विकेट की दिशा में फ्लिक कर दिया उन्होंने तेची डोल को, 4 रन। स्क्वायर लेग, सॉरी। बड़ी हिट लगाने की कोशिश की थी अमन ने, स्क्वायर लेग की तरफ बॉल जाता हुआ अंदरूनी किनारा लग के बल्ले का, 1 रन। डोल काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए बढ़िया कमबैक किया आफ्टर दैट बाउंड्री। डोल जो अपना 30 ओवर डाल रहे हैं, मात्र 10 रन दिया है। कट शॉट खेला, दोबारा पॉइंट दिशा की तरफ, फील्डर वापस से बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा करते हुए, कोई रन नहीं। निगम जो कि 22 गेंदों पे 11 रन बना के खेल रहे हैं, बाउंड्री खोज नहीं पा रहे, लेकिन हो सकता है बड़ी इनिंग देख रहे हैं वो अपने आगे।
फिर से रक्षात्मक ढंग से एक्स्ट्रा कवर की दिशा पे खेला, एक रन चुराने में सफल हो गए हैं। ये पावर प्ले की आखिरी गेंद है, मात्र 23 रन बने हैं पोमा ट्राइडेंट्स के। तेची डोल जो अपना आखिरी गेंद करेंगे तीसरे ओवर का, काफी किफायती गेंदबाजी की है। अमन यहां पर स्ट्राइक पे, जो कि 11 रन बना के 11 गेंदों पे। बड़ी हिट लगाने की कोशिश की, फिर बीट हुए टेची डोल, जो कि अपना तीसरा ओवर समाप्त कर चुके हैं। 11 ही रन दिए उन्होंने। पावर प्ले की समाप्ति पे पोमा ट्राइडेंट 24 रन बना के एक विकेट के नुकसान पे, उनका वर्तमान रन रेट 4 का है। पुंगमी पुंगते रिजॉर्ट एक्सपीरियंस अनपैरेलल्ड सर्विस एट अ रिजॉर्ट। ताना तागम अपना पहला ओवर लेके आ रहे हैं, 7वां ओवर। छोटी गेंद की है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा पे हिट लगाया है, मात्र एक रन। आज बॉल लगता है निगम जी एकदम टाइम ही नहीं कर पा रहे हैं। अमन यहां बल्लेबाजी करते हुए ताना तागम को, छोटी गेंद मिड विकेट की दिशा पे एक रन। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन पर 26 रन पर माफ़ कीजिएगा, एक विकेट पोमा टाइडन्स का। लेकिन साला बल्लेबाज अमन एक विस्फोटक रूप कभी भी धारण कर सकते हैं, जो हम सभी ने देखा है। निगम एक अच्छी और लंबी पारी खेलने वाले बल्लेबाज हैं। स्कोर को संभालना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को मिलकर। पीछे काफ़ी मजबूत बल्लेबाजी अभी बची है पोमा ट्राइडेंट्स के पीछे, अभिनव जिन्होंने 2 शतक लगा रखे हैं वो बल्लेबाजी क्रम में हैं। और एक बार फिर से उछाला है, कीपर ने मिस किया शॉट, कैच हो सकते थे लेकिन बचे। निगम ताना तागम बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, माफ कीजिएगा गेंदबाजी कर रहे हैं। मात्र 5 गेंदों में 3 रन दिए हैं। अंतिम गेंद का सामना करेंगे अमन। और जी हाँ, अंतिम बॉल ऑफ साइड की तरफ धकेला अमन ने और आसानी से एक रन लिया है। एक बड़े स्कोर की तरफ जाना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज अमन और निगम। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, कुछ बड़े शॉट्स देखना चाहेंगे सभी दर्शक। और जी हाँ, आप अपने ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं एडवर्टाइज विद अस कंटेंट पवेलियन टीवी। आप स्कैन कर सकते हैं दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
अपने एडवर्टाइजमेंट को हमारे चैनल पर दिखाने के लिए। अगला ओवर लेकर आए हैं आबो, और रन गति को देखकर लग रहा है काफी धीमी रन गति है अभी पोमा ट्राइडेंट्स की। क्या कर सकते हैं अमन, सभी जानते हैं। आबो अगली गेंद लेकर तैयार अपना ओवर। पहली बॉल मार दिया है सामने की तरफ अमन ने, और कैच को लपका कंप्लीट किया, बहुत ही सुंदर विकेट। और दूसरी विकेट, एक बड़ी विकेट का पतन, पहली ही बॉल पर आबो ने कैच आउट करार किया, बहुत ही सुंदर कैचिंग फील्डर द्वारा। जी हाँ, ऊंचा लंबा शॉट खेलना चाहते थे अमन, रन गति को बढ़ाना चाहते थे, सब्र का बांध टूटा और आबो ने विकेट प्राप्त किया। एक बार फिर अभिनव, कल के शतकवीर, विस्फोटक बल्लेबाज क्रीज पर। ये एक वो बल्लेबाज है जो कभी भी इस स्कोर को छठे गेयर में लगाकर 200 भी क्रॉस करा सकता है। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं अभिनव, लेकिन मौसम का मिजाज भी आज देखना होगा अभिनव को। चारों तरफ से बादलों से घिरा ये मैदान, बहुत ही सुंदर मैदान यहाँ एबी क्रिकेट ग्राउंड। आबो बहुत ही बड़ी सफलता अपनी टीम को दिलाई है आबो ने। अभिनव पहली ही गेंद का, और ऑफ साइड की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद दूर, बहुत ही अच्छा मिस। आबो एक समझदार भरी समझदारी पूर्ण गेंदबाजी कर रहे हैं, लाइन और लेंथ को पूरा मद्देनजर रखते हुए। और जी हाँ, आप अपने टूर्नामेंट को लाइव ला सकते हैं हमारे साथ पवेलियन टीवी पर। आप कांटेक्ट करें www.pavilionplay.com पर फॉर लाइव योर टूर्नामेंट ऑन पवेलियन टीवी। कुछ कारणों से रुका मैच एम्पायर। जी हाँ, हमें देखना होगा क्या टेक्निकल इशू, क्या दिक्कत आई है बीच मैदान में, एम्पायर ने रोका है मैच।
और हमारे ड्रिंकिंग पार्टनर करली जी हाँ, बहुत ही अच्छी बॉल राधे द्वारा, दूसरी ही बॉल पर पीछे आउट हुए और मुश्किलों में है पोमा ट्राइडेंट्स। बहुत ही अच्छा विकेट आबो द्वारा एक बार और, अभिनव शून्य पर आउट हुए हैं। देखिए बहुत ही अच्छी लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, डिफेंस करने गए और बहुत ही प्यारा किनारा लेते हुए कीपर के दस्तानों में सेफ हुआ और आबो ने दो बड़ी विकेट इस ओवर में चटकाई हैं। जी हाँ, श्योर थे कीपर और गेंदबाज, लगते ही उन्हें पता लग चुका था कि विकेट आ चुका है। और कप्तान निया बल्लेबाजी का क्रम संभालने अब खुद आए हैं, दो बड़े खिलाड़ी में, तो कप्तान निया बल्लेबाजी का क्रम संभालने स्वयं आ चुके हैं। अब देखना होगा, एक अच्छे और सुरक्षित स्कोर की तरफ ले जाना होगा निया को, अपनी टीम को, क्योंकि उन्हें ही गेंदबाजी करनी है। गेंदबाजी क्रम संभालते हैं निया प्रोमा टाइडेंट्स का। और जी हाँ, निया ने कट किया है ऊपर से, फील्डर पीछे, एक रन प्राप्त किया, स्ट्राइक चेंज हुई। अगर सुबह से देखा जाए तो प्रोमा टाइडेंस के लिए सिर्फ एक ही चीज सही हुई है, वो है कि निगम 27 बॉल खेलकर अभी भी बल्लेबाजी पे खड़े हैं। आबो द्वारा पांच, एक बार फिर निगम ने बहुत ही समझदारी भरी बल्लेबाजी, और हम देख रहे हैं आबो ने बिल्कुल बांध कर रखा हुआ है सभी बल्लेबाजों को। पहली बॉल पर अमन हिट लगाने गए थे, उसके बाद एक बहुत सही लाइन लेंथ के द्वारा गेंदबाजी आबो द्वारा, अंतिम गेंद फिर से कट किया है और बहुत ही सुंदर कोशिश फील्डर द्वारा पीछे, एक फील्डर लिया हुआ है पीछे। जी हाँ, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा निगम को। और 8 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट हो चुके हैं, दोहरी मार इस ओवर में। ताना निगम की वापसी, एक ओवर में मात्र 4 रन देकर, और सामना करेंगे निगम ताना तंग। जी हाँ, कट किया है और पीछे कोई फील्डर नहीं, बहुत सुंदर। हेलो, जी हाँ, देखिए बहुत प्यारा कट किया निगम ने,
और 4 रन के लिए धकेल दिया है बॉल को। एक बार फिर बाहर बॉल कट करना चाहते थे। जी हाँ, कीपर कुछ अलग करने के प्रयास में थे। ताना द्वारा तीसरी बॉल निगम के लिए, एक बार फिर से पैरों की तरफ धकेल दिया है, तेजी से रन पहला प्राप्त किया। जी हाँ, 2 रन कंप्लीट कर जाएंगे निगम। अभिषेक, निगम ने एक निगम बहुत ही समझदार भरी पारी खेल रहे हैं। फिर एक बार हल्के हाथों से कवर्स की तरफ, और जी हां, डायरेक्ट हिट अपील, और थर्ड एम्पायर की तरफ इशारा किया है एम्पायर ने। बहुत ही सुंदर फील्डिंग। जी हाँ, विजुअल्स देख रहे हैं, शायद अपने आप को बचा लिया है कप्तान निया ने। हमें एम्पायर का इशारा देखना होगा क्या करते हैं एम्पायर। जी हाँ, मुझे थर्ड एम्पायर का इशारा देखना होगा। बचा लिया है कप्तान निया ने। जी हाँ, अपने आप को बचाया कप्तान निया ने। काफी तेज दौड़ लगाई थी विकेटों के बीच। अंतिम बॉल ताना द्वारा सामने, या निया और सामने की तरफ खेलकर 1 रन प्राप्त किया। और 9 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 3 विकेट बांधे रखा है तानी हंटर्स ने पोमा को। एक बार फिर आबो की वापसी, पिछला बहुत ही शानदार ओवर किया था आबो ने। इस बार सामने है कप्तान, एम्पायर का इशारा देखना होगा। कीपर ने भी मिस किया यहाँ। बाउंड्री चेक,
जी हाँ, देखना होगा प्लेयर का प्रयास। वाइट बॉल और बचा नहीं पाए प्लेयर। एक बार फिर काफी अच्छी लाइन लेंथ, भटक गए थे अबो। एक बहुत ही अच्छा ओवर डालने के बाद उस एक बॉल को भुला दिया जाए तो। अभी तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अबो द्वारा। एक बार फिर से निया को बहुत ही सुंदर लाइन लेंथ द्वारा अबो बॉल कर रहे हैं। कप्तान निया परेशान है। स्कोर कार्ड बहुत ही स्लो। जी हाँ, हल्के हाथ से खेला, फबल हुआ गेंद और एक रन प्राप्त किया निया ने। अब सामना करेंगे निगम आवो का। फुलर गेंद लेन, अपनी बॉल पर खुद ही फील्डिंग कर रहे हैं आवो। जी हाँ, बहुत ही सुंदर ढंग से निगम इस पारी को चलाते हुए। वो जानते हैं 3 बड़े विकेट्स का पतन हो चुका है। जो विस्फोटक बल्लेबाजी कही जाती है पोमा की, वो एक तरह से कैसे धर्राई सी हो चुकी है। एक और कट, जी हाँ, मिस किया जर्सी नंबर 17 और 2 रन प्राप्त किए कप्तान निया। अगर एक गेंद को छोड़ दिया जाए तो आबो ने अब तक बहुत ही शानदार गेंदबाज। जी हाँ, एक और कट, पीछे प्लेयर फील्डर और 2 रन प्राप्त किए येबनिया। जी हाँ, बहुत ही शानदार ओवर, 10 ओवर की समाप्ति। अब हमें देखना होगा निकम क्या रुख अपनाते हैं। और जी हाँ, कप्तान बिट्टू लेग स्पिन के साथ गेंदबाजी क्रम में और बीट किया बल्लेबाज के साथ साथ कीपर को भी, लेकिन कोई अतिरिक्त लाभ उठा नहीं पाए बीट होने के बाद भी बल्लेबाज। और बहुत ही खराब गेंद, वो कंट्रोल नहीं था बॉल पर कप्तान बिट्टू का। जी हम जानते हैं, कल का इंटरव्यू हम सभी ने देखा था, कुछ नया ट्राई करने का हमेशा रहता है उनका। जी हाँ, खेल दिया है निगम ने शॉट पीछे की तरफ, बॉलर के पीछे फील्डर, फंबल हुआ
और देखने होंगे 2 रन की प्राप्ति। यहाँ जी हाँ, हम क्या देख रहे हैं, 9 बॉल, बिट्टू कुछ नया ट्राई करने का देख रहे हैं। कप्तान, वो नियंत्रण नहीं आ पा रहा है और फ्री हिट, जी हाँ घुमा दिया है, लेकिन पीछे फील्डर, कोई लाभ नहीं इस फ्री हिट का। बहुत ही सुंदर वापसी कप्तान द्वारा, 20 नंबर की जर्सी में है कप्तान बिट्टू, लीड कर रहे हैं, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं स्कोर को मद्देनजर रखते हुए। एक बार फिर से पटक दिया है, बीच में कट किया कप्तान ने और ऑफ साइड की तरफ 1 रन प्राप्त किया निया ने। 2 खराब बॉल डालने के बावजूद बिट्टू मात्र 6 रन दिए हैं अभी। एक बार फिर से हम समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ कमेंट्री बॉक्स में भी कि बिट्टू क्या कुछ नया करना चाहते हैं आज। कल हम सभी ने उनका एक इंटरव्यू देखा था, लास्ट मैच में उन्होंने बताया कि मैं हमेशा कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, और एक बार फिर, लेकिन वहीं जब दूसरी तरफ फ्री हिट डालने जाते हैं, एक कसा हुआ गेंद फेंकते हैं वो, बहुत ही समझदारी भरी गेंदबाजी दूसरी कर सकते हैं बिट्टू, कुछ नया ट्राई करने के लिए 2 नो बॉल डाल चुके हैं। एक बार फिर से, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा संपर्क, जी हाँ ये अबनिया, कप्तान लीड्स फ्रॉम फ्रंट, सामने की तरफ कप्तान ने कप्तान को दे मारा है, बहुत ही लंबा छक्का यहाँ निया द्वारा, बिट्टू को देखना होगा।
कैन यू कॉन्टेक्ट अस। जी हाँ, एक बार फिर वापसी हुई है। एक बार फिर से कप्तान का पूरा विश्वास आबो पर, क्योंकि अगर एक बॉल छोड़ दिया जाए तो बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी हुई है आबो द्वारा। आज बड़े विकेट्स लिए हैं उन्होंने। जी हाँ, लेग साइड की तरफ निगम ने बल्ला घुमाया था काफी तेजी से, पर मिस कर गए। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी आबो द्वारा, कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। जी, खेल में रुकावट शायद साइड स्क्रीन की तरफ, दर्शक एम्पायर ने हटाया, इशारा किया है साइड स्क्रीन की तरफ। अगली बॉल निगम, सोम। जी हाँ, खेलना चाहते थे तेज, अंतिम वक्त पर बल्ला रोका और सीधा गेंदबाज की दिशा में खेलने का प्रयास। कहना होगा बहुत ही अच्छी किस्मत लेकर आए हैं निगम आज। और निया ने फिर एक बार कट किया है, और बहुत सुंदर फील्डिंग, अच्छे ड्राइव लगाकर उसे रोका, दो रन प्राप्त किए निया ने। हम देख सकते हैं निया एक आक्रामक रुख की तरफ अग्रसर हैं, आगे की तरफ अपनी टीम को ले जाना होगा 10 बॉल में 16 रन बनाकर। और हमें निगम से उम्मीद है कि अब वो यहां से अपना गियर चेंज करेंगे। एक बार फिर निया ने, जी हां, मिस किया, और ये गुस्सा देखने से ही समझना होगा, बिल्कुल एक अच्छी बॉल को मिस किया निया ने, और सीधा क्लीन बोल्ड, वो हिट कर सकते थे। बहुत ही ज्यादा गुस्सा अपने आप से ये निया कप्तान, क्योंकि वो जानते थे एक बड़े स्कोर की तरफ ले जा सकते हैं अपनी टीम पूमा को। रिप्ले में देखना होगा। जी हाँ, अपने आप को यॉर्क किया, स्वीप मारने चले गए फिल्टॉस बॉल को, बॉल ऊपर आया, और ये गुस्सा गुस्सा। जी हाँ, वो जानते हैं क्या कुछ कर सकते थे अपनी टीम के लिए, कितने बड़े स्कोर की तरफ ले जा सकते थे, और अपना विकेट गवाया एक साधारण बॉल पर। आबो बहुत ही अच्छी किस्मत के साथ आज गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 बड़ी विकेट प्राप्त कर चुके हैं आबो अपने 3rd ओवर की शुरुआत में ही। नए बल्लेबाज क्रीज पर, निगम को मोर्चा संभालना होगा। जी हाँ, गानिया अब बल्लेबाजी पर आए हैं, और जी हाँ, बहुत ही विकेट लेने के बाद जो एक कॉन्फिडेंस बॉलर में आता है, बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी करते हैं बहुत ही अच्छे टप्पे से। आबो ने भी वही कॉन्फिडेंस हमें दिखाया है।
बिट्टू एक बार फिर और धकेल दिया है बाउंड्री की तरफ गानिया ने। जी हाँ, 4 रन प्राप्त किए। एक नॉर्मल गेंदबाजी देखने को मिल रही है कप्तान बिट्टू से, क्योंकि वो जानते हैं बहुत ही अच्छी स्थिति में है इस वक्त तानी हंटर्स अगेंस्ट पोमा के खिलाफ। ये बल्लेबाज हटे, शायद पूरी तरह तैयार नहीं थे बल्लेबाज। एक बार फिर, जी हाँ, इस बार सदी बॉल, 1 रन लेकर गानिया नॉन स्ट्राइकर छोर पर। जी हाँ, निगम जो 44 बॉल मार 28 रन बनाकर अभी भी टिके हुए हैं, एक संघर्ष भरी पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। उन्हें गियर चेंज करना होगा और ये कट किया। बहुत ही सुंदर प्रयास, पीछे की तरफ खेलना चाह रहे थे। जी हाँ, बहुत सुंदर प्रयास स्लिप में तैनात फील्डर का। ये देखिए, पैडल स्वीप खेलना चाह रहे थे लेकिन गति बहुत कम थी, खड़ा हुआ बॉल और वो 1 सेकंड की चूक। एक बार फिर से कट किया है सामने की तरफ पर पीछे फील्डर, और जी हाँ, बहुत ही तेजी से 2 रन लिए हैं। ड्राइव किया है, देखना होगा क्या सेफ है। देखिए, एक मजबूत अच्छा थ्रो किया फील्डर ने और बहुत ही अच्छा कलेक्शन पर अपने आप को बचा लिया था, काफी तेज थे गानिया। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन, 78 लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 13 ओवर। निगम को अब एक छोर से देखना होगा, और जी हाँ, सुंदरम एक बार फिर से गेंदबाजी क्रम पर। बहुत ही अच्छी बॉल और एक और विकेट। जी हाँ, गानिया एक और विकेट। सुंदरम में कसी हुई गेंदबाजी, फ्लिक करना चाहते थे टॉप एज, मुश्किलों में पोमा ट्राइडेंस। जी हाँ, एक सिंपल सा फॉलो थ्रू में कैच दिया सुंदरम को। नए बल्लेबाज ताजिक इस वक्त मुश्किलों में हैं पोमा ट्राइडेंट्स। और सामने की तरफ
धकेला बल्लेबाज ने और छोर बदलकर दूसरी तरफ। सुंदरम वाइट बॉल। जी हाँ, अब एकमात्र बल्लेबाज निगम बचे हैं। यहाँ देखना होगा कहाँ तक लेकर जा सकते हैं पोमा को। जी हाँ, बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी सुंदरम द्वारा, बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। शायद उछाल प्राप्त कर रहे हैं सुंदरम, अतिरिक्त उछाल। मौसम का भी साथ गेंदबाजों के साथ। पीछे की तरफ एक बार फिर स्वीप करना चाहते थे अपील, पर कोई खास असर होगा नहीं एम्पायर पर इस अपील का। जी पीछे की तरफ बॉल को धकेला। चौदह ओवर की समाप्ति। सभी दर्शकों को इंतजार है कि निगम कब अपना गियर चेंज करेंगे। इस विकेट पर हमने देखा है इस मौसम में रन बनाने काफी मुश्किलात साबित हो रहे हैं, पर कुछ ना कुछ तो बॉलर्स को चाहिए बचाने के लिए। एक सम्मानजनक स्कोर तक निगम ले जाते हैं कि नहीं, काफी भार इस वक्त निगम के कंधों पर पोमा ट्राइडेंट्स का। थानी हंटर्स बहुत ही अच्छी स्थिति में, कप्तान बिट्टू अपना तीसरा ओवर लेकर निगम के सामने। मारने की कोशिश मिस किया, कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है शायद निगम के। बिट्टू भी अब समझदारी पूर्ण गेंदबाजी करते हुए। कसी हुई बॉल, एक बार फिर अपील, लेग स्टंप मिसिंग। जी हाँ, देखना होगा निगम क्या एक सम्मानजनक स्कोर तक ले भी जा पाएंगे कि नहीं। जी हाँ, बिट्टू पहले भी एक बार वो समझा चुके हैं बल्लेबाज को, और ये मैं थर्ड एम्पायर की तरफ इशारा। और एम्पायर का इशारा आउट। जी हाँ, लेकिन निगम उससे पहले ही जा चुके थे। Thank you.
अगले बल्लेबाज मिराज। जी हाँ, बिट्टू ने समझदारी भरी और जी हाँ, फिर से एक बार फिर फ्लाइटेड बॉल मिस किया बल्लेबाज ने। निगम काफी आगे निकल चुके थे। जी हाँ, फ्लाइटेड बॉल्स डाल रहे हैं बिट्टू। और इस बार उछाल दिया है गैप में। जी हां, ताजिक लूज गेंद मिली, पूरा भरपूर फायदा उठाया, एक सूखा खत्म किया ताजिक ने पोमा के लिए और पुल कर दिया पीछे की तरफ चार रन। बहुत सुंदर शॉट। अंतिम गेंद, जी हां, बहुत ही अच्छी बॉल। मारना चाहते थे, मिस किया। जी हाँ, मिराज सामना करेंगे 15 ओवर के बाद 88 रन्स। नतुंग पहली बॉल, मिराज काफी लंबे हिट्स के लिए जाने जाते हैं अंतिम वक्त में, बल्ला घुमाते हैं और जी हां, बल्ला घुमाया लेकिन बॉल पीछे कट लगकर एक ही रन। बल्ला काफी तेजी से घुमाया था यहां मिराज ने। अपने बड़े बड़े हिट्स के लिए जाने जाते हैं मिराज और उनकी जरूरत भी है आज पोमा को। ये हवा में बॉल फील्डर से दूर, बचे यहां ताजिक। जी हां, एक नया चैलेंज पोमा के सामने ये है अब कि क्या वो 20 ओवर खेल पाएंगे कि नहीं। मिराज ने कट मारा है ऑफ साइड की तरफ, कट किया, चार रन। जी हां, हम जानते हैं कि मिराज क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए, बाहर बॉल मिलते ही पूरे हाथ खोले ऑफ स्टंप की तरफ, चार रन। पटकी हुई बॉल पर और मिस कंफ्यूजन, बट बचे। एक बार फिर बट पीछे फील्डर, एक रन ही ले पाएंगे बल्लेबाज। या 16 ओवर की समाप्ति के बाद 96 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। नतुंग 8 रन का ओवर यहां डाल कर गए हैं।
अपना अंतिम ओवर बिट्टू डाल रहे हैं। मिराज को बड़े हिट लगाने होंगे यहां से, एक बार फिर नीचे कट किया है। ताजिक अब अंतिम चार ओवर बचे हैं, मिराज और ताजिक 150 की तरफ ले जाना चाहेंगे स्कोर पर। कसी हुई बॉल डाल रहे हैं यहाँ कप्तान बिट्टू। मैच के अंतिम क्षणों में है, दूर से खेलना चाहते थे, मिस किया कीपर ने। मिराज सामने बिट्टू के, देखना होगा अंतिम तीन, वाइट बॉल थी पिछली। जी हाँ, बड़े शॉट्स की तरफ शायद देख ही नहीं रहे हैं पोमा के बल्लेबाज, वो रिक्स नहीं लेना चाहते शायद। और इस बार फ्लाइटेड बॉल पर बहुत ही समझदारी पूर्ण गेंदबाजी कप्तान द्वारा यहां। जी हाँ, फिर रुके हैं कप्तान, कोशिश शॉर्ट बॉल पीछे फील्डर। जी हाँ, बहुत अच्छा कलेक्शन, एक रन। आमतौर पर मीडियम पेसर बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं कप्तान बिट्टू, लेकिन पिच को समझते हुए लेग स्पिन डाल रहे हैं। और हल्के से कट किया, फील्डर मौजूद सुंदरम। नातुंग काफी कसी हुई बॉल डाल रहे हैं, सामना करेंगे मिराज। और अगली बॉल फिर से कट किया, फील्डर से मिस फील्ड हुई, पीछे देखना होगा। हाँ, फील्डर मौजूद, दो रन की मांग, और यहाँ पूरा किया आसानी से। वह फिर से उठा के खेलना चाहते थे, संपर्क खास नहीं, एज लगा, और फील्डर पीछे मौजूद, दो रन की कॉल। यहाँ पर रन आउट का चांस बन सकता है, पर यहाँ डायरेक्ट थ्रो होता या फील्डर पकड़ पाता तो काफी खतरा होता बल्लेबाज को। शिवम थे चिराग, पीछे फील्डर मौजूद, नातुंग ने पकड़ नहीं पाई। अगर ये बॉल पकड़ते तो एक बार फिर से उठा के खेला, पर फील्डर के पीछे फील्डर, वहां पे थोड़ा आउटफील्ड की वजह से काफी दिक्कत हो रही है आज फील्ड करने में। नातुंग की अगली बॉल हल्के से कट किया, देखना होगा। यहाँ पे काफी तेज गति से जाती हुई, और इस बार चौका मिलेगा तजिक को।
काफी लेट खेला इस शॉट को, और अभी सुबह से अब तक ये पहली बॉल जो आउटफील्ड से तेज जा रही है। ओवर के अंतिम बॉल, फिर से पुल किया, देखना होगा पीछे फील्डर चिराग, एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर बढ़ता हुआ 113 रन 18 ओवर के बाद, 6 विकेट के नुकसान पे पोमा का। अल्फावेट हॉस्पिटल मेन रोड निर्जुरी पपुम पर डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। मौसम आज काफ़ी सुंदर है, बादलों से घिरा हुआ मैदान है, काफ़ी बारिश के बाद आज दिन का दूसरा मुकाबला खेला गया। देखना होगा कप्तान बिट्टू किसको ओवर देते हैं अब। पुमा का यहाँ से लंबा स्कोर के लिए 2 ओवर शेष बचे हैं, तो बड़े हिट लगाने होंगे 130 135 तक पहुँचने के लिए। बल्लेबाज ताजिक, मीडियम पेस बॉलर लगाए बिट्टू ने, और पहले ही बॉल पे आया तो ये दिशाहीन गेंदबाजी। आज बॉलरों के हाथों से बॉल काफ़ी छूट रही है बारिश की वजह से, मैदान गीला और बॉल भी काफ़ी बार बार गीली हो रही है। रबे जो कि मध्यम गति के गेंदबाज हैं, देखना होगा काफी अच्छी बॉल था जिकने सामने खेला, नीचे सुंदरम फील्डर मौजूद, और ये बड़ी आसानी से इस कैच को लपका। लंबाई और दूरी का मिश्रण अगर इस बॉल पे होता तो काफ़ी लंबा छक्का होता, पर इसको ऊंचाई काफ़ी मिली और जिस दूरी को खोजना चाह रहे थे बल्लेबाज वो खोज नहीं पाए, और क्षेत्र के छक्के हाथों में एक आसान छक्के गांव बैठे हैं। काफ़ी शानदार कैच सुंदरम द्वारा, काफ़ी ऊंची बॉल और कोई गलती नहीं की सुंदरम ने। नए बल्लेबाज के रूप में आए देविया, और पहली बॉल पे कट किया, पीछे फील्डर मौजूद, 2 रन की मांग, रनआउट का मौका हो सकता है, पर बहुत ही लेट थ्रो। अपने पहले ही ओवर में आके विकेट झटका देविया ने। ओहो इस बार संपर्क देखना होगा, जी हाँ काफी अच्छा खूबसूरत शॉट लॉगन के दिशा में, पुल लॉग ऑन की दिशा में पुल देखने को मिला बल्लेबाज से।
काफी अच्छा खूबसूरत शॉट, पीछे की गेंद का इंतजार ही कर रहे थे और वही हुआ। अब तो हर बॉल पर बल्ला चला रहे हैं पोमा के बल्लेबाज, उनको पता है यहाँ से लंबा स्कोर ले जाना है तो बड़े बड़े हिट लगाने ही पड़ेंगे। और एक बार फिर से सामने खेला, बिल्कुल स्ट्रेट चौका, आते ही प्रहार कर दिया है देविया ने गेंदबाज के ऊपर, कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं। अपने पहले ओवर में विकेट लिया, उसके बाद देविया के आते ही छक्के चौकों की बारिश। एक बार फिर से प्रहार और 6 रन, काफी अच्छा प्रहार गेंदबाज के ऊपर, कोई भी मौका ही नहीं दे रहे हैं। काफी महंगा ओवर रेबे का। इसी के साथ 19 ओवर के बाद 132 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। एक टाइम पे लग रहा था कि 120-122 रन का लक्ष्य भी बड़ी मुश्किल से बना पाएंगे, पर अब अंतिम ओवर पोमा के बल्लेबाज की यही कोशिश होगी कि 40+ लेके जाए इस स्कोर को। जी हाँ, अल्फाबेट ग्रुप ऑफ स्कूल नर्जली दुईमुख नाहरलगुन। अपना अंतिम ओवर लेके आए डोल, टीजी डोल काफी तेज गेंदबाज हैं, काफी अच्छा रन अब दूर से आते हैं। अंतिम ओवर देखना होगा। और मिराज ने सामने खेला, नो मैन लैंड्स में बॉल, पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन। जी हाँ, मिराज को पता है देविया काफी अच्छा प्रहार कर रहे हैं गेंदबाजों पे, तो उन्होंने सिंगल दिया और कहा जी आप ही मारिए। देविया ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हैं जैसे कि बोल रहे हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और डोल को देखना होगा क्या करते हैं। अगली बॉल, ओहो, उठा के खेलना चाहते थे और कोई संपर्क नहीं बल्ले और गेंद का, और सीधे बोल्ड। काफी अच्छी खूबसूरत बॉलिंग, ज्यादातर इस विकेट पर बल्लेबाज छोटी बॉल का इंतजार करते हैं, शायद वही इंतजार कर रहे थे देविया। और आगे की बॉल असमर्थ रहे खेलने के लिए। काफी अच्छा एक्शन, आगे से बोल्ड। अगले बल्लेबाज के रूप में अंकित चौहान, जो काफी अच्छे बल्लेबाज और बॉलर हैं, ज्यादातर इन्हें ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते हुए देखा है मैंने, पर यहाँ आज इनको काफी नीचे बैटिंग मिली। इस टूर्नामेंट में काफी नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं अंकित चौहान। टाइम नहीं है ज्यादा, 4 बॉलों का सामना अंकित को करना पड़ेगा। ओहो, पहली बॉल सिंगल देना चाहते थे मिराज को।
यहाँ से 140 का लक्ष्य प्राप्त करना है तो दो बड़े हिट को ढूंढना पड़ेगा मिराज को, पर सामने काफी अच्छे गेंदबाज हैं। डोल ओहो, काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी थी, लगता है मिराज को नजर ही नहीं आई है बॉल, बहुत तेज निकली। अंतिम दो बॉलों का खेल देखना होगा मिराज क्या कर सकते हैं। और ये आगे बढ़े पर बल्ले से कोई भी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, काफी तेज गति के गेंदबाज हैं। डोल, काफी अच्छी गेंदबाजी। डेथ ओवर में कुछ ऐसे ही उम्मीद करते हैं कप्तान अपने बॉलरों से, जहां रन रोकने पड़ते हैं। इनिंग के अंतिम बॉल, और इस बार प्रहार किया मिराज ने और 6 रन, 140 रन का लक्ष्य प्राप्त किया पोमा ने। और अब जीतने के लिए तानी को चाहिए होंगे, 141 रन का लक्ष्य दिया है पोमा ने। अंतिम बॉल, काफी खूबसूरत शॉट पैरों की ओर डाली गई बॉल, और कोई गलती नहीं की इस बार मिराज ने, और सीधे डिलीवर कर दिया ग्राउंड के बाहर, 6 रन। हमारे देश में लोग सवाल बहुत करते हैं, कौन, कहां, क्यों, कैसे, सवाल ही सवाल, क्योंकि पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे, जानोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। तो आप भी बढ़िए, सवाल कीजिए प्रोवो पे कीजिए, क्योंकि देश का हर जवाब है प्रोवो पर। तो आप भी कीजिए डाउनलोड। यहाँ अंपायर तानी हंटर्स की टीम जो कि आज है नबम बिट्टू कैप्टन, नबम नाटुंग, नबम आबो। क्या होता है, अरे रन आउट, कट खेला है, पॉइंट दिशा की तरफ से बाउंड्री की तरफ जाती, 4 रन उठा के खेला है यहां पर बल्लेबाज ने। पहली बॉल मार दिया है
सामने की तरफ अमन ने और कैच को लपका कंप्लीट किया। ताना तंग जी हां कट किया है और पीछे कोई फील्डर नहीं। फिर एक बार हल्के हाथों से कवर्स की तरफ और जी हां सामने है कप्तान। दोनों बॉल डाल चुके हैं एक बार फिर से लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा संपर्क। एक बार फिर निया ने जी हां मिस किया और ये बिट्टू एक बार फिर और धकेल दिया है बाउंड्री। बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छी बॉल और इस बार उछाल दिया है गैप में। मिराज ने कट मारा है ऑफ साइड की तरफ कट किया हल्के से कट किया देखना होगा यहाँ पे काफी तेज गति से जाती हुई और इस बार चौका मिलेगा। काफी अच्छी बॉल था जिसने सामने खेला नीचे सुंदरम फील्डर मौजूद और ये बड़ी आसानी से इस कैच को लपका। ओहो इस बार संपर्क देखना होगा जी हाँ काफी अच्छा खूबसूरत शॉट। एक बार फिर से सामने खेला बिल्कुल एक बार फिर से प्रहार। ओहो उठा के खेलना चाहते थे और कोई और इस बार प्रहार किया।
जी हाँ, खेल में वापसी। तानी हंटर्स को इस मैच को जीतने के लिए बनाने होंगे 141 रन्स। इन 20 ओवर्स पहली बॉल, कप्तान निया कप्तानी का कार्यभार संभालते हुए। जी हाँ, बल्लेबाज से दूर रखा है बॉल को। चुनौतीपूर्ण स्कोर कर लिया है पोमा ने, क्योंकि हमने देखा है काफी मजबूत गेंदबाजी है कप्तान निया के पास। वो खुद बहुत क्षमता रखते हैं अपनी 24 गेंदों में मैच को पलटने की। तीसरी बॉल, यॉर्कर का लेंथ बॉल धकेल दिया है बाउंड्री की तरफ। जी हां, 4 रन। बहुत सुंदर चौका, कप्तान निया की स्पीड का पूरा लाभ उठाया बल्लेबाज जोमिया ने और सिर्फ दिशा दिखाने का काम किया। 4 रन की प्राप्ति। जी हां, वाइट बॉल लेग स्टंप के बाहर, तेजी, काफी तेज बॉल। सीधा बॉल स्टंप में। जी हां, समझ नहीं पाए, तेज बॉल अंदर की तरफ, जिस चीज के लिए निया जाने जाते हैं अपनी तेजी, उसी से बीट किया। तेज थी बॉल, सिर्फ यही अंतर था, बाकी गेंद अच्छी नहीं थी, फुल टॉस बॉल थी, लेकिन तेजी से बीट किया, स्टंप को बहुत दूर उखाड़ फेंका, अपनी तेजी से बीट किया बल्लेबाज को, सीधा बोल्ड। पहले विकेट का पतन, नए बल्लेबाज क्रीज पर होंगे पहले ही ओवर में निया के सामने। नए बल्लेबाज डॉल क्रीज पर, वाइड बॉल लेग स्टंप की तरफ,
लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं डॉल, और कप्तान ने एक तरफा मैच बनाने के लिए उन्हें भेजा होगा कप्तान बिट्टू ने, जाइए पूरी इजाजत देकर कि जो आप मार सकते हैं जहां आप मार सकते हैं मारिए। जी हाँ, 4 गेंदों के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 वाइड डाल चुके हैं निया। एक बार फिर से तेज बॉल, यॉर्कर बॉल, जी हाँ वो मद्दा नजर आता है कप्तान में, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, पहला ही ओवर नई बॉल, परफेक्ट यॉर्कर, सीधी पैरों की तरफ निया द्वारा। एक बार फिर से तेज गति की यॉर्कर, सीधी अंदर की तरफ, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ मिराज, और ऊपर से खेल दिया है सीधा 4 रन के लिए इस स्लो आउटफील्ड में। नतुंग ने अगली बॉल मिराज नतुंग के लिए, एक बार फिर से धीमे हाथों से गैप में खेला है, तेजी के 7 रन 1 रन कंप्लीट किया। अब सामना करेंगे डॉल मिराज का। तीसरी बॉल सामने की तरफ उठा दिया है, जी हां ये क्या है देखना होगा, 9 बॉल का इशारा। जी हां 9 बॉल का इशारा है एम्पायर का, वो कोशिश जी हाँ काफी टफ कॉल थी। और काफी ऊंची बॉल गई थी ये, और एक सुंदर कैच लिया था लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाया। और एक बार फिर 9 बॉल थी फ्री हिट पर, एक और कैच, जी हाँ 2 बॉलों पर 2 कैच किया है पोमा ट्राइडेंट ने, पर कोई फायदा नहीं हो पाया है वो, और दोनों ही अलग अलग बल्लेबाज का, एक अच्छी स्थिति में जा सकते थे यहां से, पर वो छोटा सा फर्क काफी फर्क डाल देता है।
चौथी बॉल बाहर की तरफ, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल। जी हाँ, एक बार फिर से डॉल के लिए उछाल भरी गेंद, रन नहीं। एक अच्छी वापसी मिराज द्वारा, लगातार दो बॉल डॉट्स। फिर आगे निकले डॉट बॉल, जी हाँ ओवर की समाप्ति। एक अप्रत्याशित ओवर घटा है यहाँ, नौ बॉल थी उस पर कैच किया, उसके बाद फ्री हिट पर कैच किया, दो बार आउट किया दो अलग अलग बल्लेबाजों के, लेकिन कोई सफलता हाथ आई नहीं मिराज के। तीसरा ओवर लेकर कप्तान निया, जी हाँ पहली बॉल सामने की तरफ उठा दिया है सीधा चार रन के लिए। यहाँ तेची डोल स्ट्राइक पे है, जो कि छह रन पे, छह बॉलों पे एक रन बनाया है जिन्होंने। यपनिया गेंद डालते हुए, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन बीट हो गए। काफी बेहतरीन गेंदबाजी यपनिया द्वारा। बेहतरीन गेंदबाजी यह अपनिया द्वारा, टेची डोल वापस बीट हो गए हैं। काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं यह अपनिया। यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं यपनिया, बहुत स्ट्रगल करवा रहे हैं एक्चुअली वो डोल को। बेहतरीन गेंदबाजी, देखते हैं बल्लेबाज अभी क्या करेंगे, काफी देर से वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे हैं। फिर से यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी मिडॉन की तरफ, एक रन चुराया तेची डोल ने। काफी सदी हुई गेंदबाजी करके यपनिया ने अपने दो ओवरों में एक विकेट लेकर 12 रन दिया है।
मिराज बॉलिंग करने आ गए हैं अभी रेलवे ट्रैक एंड से। डोल जो कि एक रन चुराते हुए मिड ऑफ के फील्डर से, अभी तक का स्कोर है 3.1 ओवर 21 रन पे एक विकेट तानी हंटर्स। दो रन की मांग की थी, हवाई यात्रा पे बॉल को भेजा था, दो रन मिड विकेट की दिशा पे बल्लेबाज ने मारा, काफी बेहतरीन क्षेत्र रक्षण यहां पर फील्डर द्वारा। फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए मिराज यहां पर हवाई यात्रा पे भेजा है बॉल को, देखते हैं क्या होता है, अंपायर यहां डिसीजन देंगे। चार रन यहां पर अंपायर ने डिसीजन दे दिया है, जी हां चार रन। मिराज की अगली गेंद को सीधा मार दिया है, एक रन चुराने की कोशिश की थी, डायरेक्ट हिट मार दिया है, लेकिन एक रन हो ही जाएगा यहां पर। काफी सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं मिराज, जो थोड़ा सा महंगे साबित हुए अपने दो ओवरों में। मिराज की अगली गेंद डोल को, बहुत तेज बल्ला चला है एक्स्ट्रा कवर के पास, लेकिन ये तो बीच में ही गिर गई। एक रन, काफी देर से डोल कोशिश कर रहे हैं बाउंड्री खोजने की, बट 12 गेंदों का सामना करके मात्र 4 रन बनाए उन्होंने। वहीं पर नाटुंग ने 8 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन अर्जित कर लिए हैं। एक रन की मांग की है और यहां पर रन आउट हो सकते थे अगर उन्होंने डायरेक्ट हिट लगा दी होती, बट यहां बाल बाल बचे। नाटुंग सदी हुई गेंदबाजी करी है इस ओवर में, दो ओवर में मिराज ने 18 रन देके कोई विकेट नहीं लिया। अल्फाबेट हॉस्पिटल मेन रोड निर्जुली पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, फैसिलिटीज आर 24x7 सर्विस, अल्ट्रासाउंड एंडोस्कोपी, डिजिटल एक्सरे, हेमाटोलॉजी लेबोरेटरी, ओपीडी, आईपीडी एंड फार्मेसी, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है इस हॉस्पिटल में। यहां बोलिंग चेंज, देबिया बॉल करेंगे नाटुंग को, 4 ओवर में 30 रन बना के एक विकेट खो दिया है तानी हंटर्स ने। 96 गेंदों पे 111 रन की जरूरत, देखते हैं क्या होता, आउटफील्ड काफी स्लो है, मुश्किल होगी ये रन बनाने में मुझे ऐसा लग रहा है।
हवा में उड़ा दिया है एक्स्ट्रा ओवर के हाथों में और ये आउट। नाटुंग आउट हो गए हैं, 9 गेंदों में 19 रन बनाया था, अच्छा खेल रहे थे, रन रेट को बढ़ाने के चक्कर में आउट हो गए हैं। डेविया ने आते ही अपने पहले गेंद पर तानी हंटर्स का विकेट ले लिया है। नए बल्लेबाज के तौर पे न्यू बैटर तेची टोमा, देखते हैं 2 विकेट गिर गए हैं। तेची टोमा माफ कीजिएगा, यहां बल्लेबाजी करने उतरे हैं। देबिया फिर से बॉल करेंगे, उन्हें पहले ही ओवर की पहली गेंद में विकेट चटका चुके हैं। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में कैच पकड़ा फील्डर ने, देखते ही यह मैच कैसा जाता है, काफी रोमांचक मैच होगा। यहां पर दर्शक दीर्घा जो मैच देख रहे हैं इस रोमांचक मैच का मजा ले। यहां पर देबिया अपनी फील्डिंग को थोड़ा सा चेंज करते हुए, यब निया जो कि लॉन्ग ऑन में थे वो अब सर्कल में आ गए हैं। एक्स्ट्रा कवर को लाइन पे कर दिया गया है, अब देखते हैं देबिया किस तरीके से अपनी बॉल डालते हैं। पहले ही बॉल पे विकेट चटका चुके हैं देबिया टोटुमा। रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए बैट्समैन नोरन, डेबिया काफी सही गेंदबाजी कर रहे हैं, देखते हैं वो क्या करते इस ओवर में। बहुत ही तेज गेंद निकली, बल्लेबाज को समझ ही नहीं आया कब पार हो गई। काफी बेहतरीन गेंद करते हुए देबिया, समझ ही नहीं आ रहा है बल्लेबाजों की कैसे आगे बढ़े। नवम डोल जो कि 12 गेंदों पर 4 रन बनाया है, उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा रन रेट बढ़ाने का। पॉइंट दिशा की तरफ 1 रन चुराने की कोशिश किया था लेकिन नहीं ले पाएंगे, काफी आक्रामक फील्डर जो कि तेजी से बॉल पे चले गए। बहुत ही बेहतरीन वेदर हो रखा है आज अरुणाचल प्रदेश में क्रिकेट खेलने का, सबसे आइडियल वेदर होता है ये। मिड ऑफ पे खेला है, 1 रन चुराने की कोशिश की लेकिन नहीं, फील्डर बहुत ही मुश्तैद, कोई रन नहीं। काफी बेहतरीन ओवर जाता हुआ, 5 गेंदों में कोई रन नहीं दिया है गेंदबाज ने। यहां लो स्कोरिंग एनकाउंटर है जिसमें विकेट लेते रहना होगा और रन बचाते रहना होगा। सीधा गेंदबाज की तरफ मार बैठे, काफी बेहतरीन गेंदबाजी देबिया द्वारा और ये मेड एन ओवर। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की देबिया ने, मेड एन ओवर दिया है।
अल्फाबेट हॉस्पिटल मेन रोड निर्जुली पापम पारे डिस्ट्रिक्ट। फैसिलिटीज जो उपलब्ध है वहाँ है 24x7 सर्विस, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी। मिराज अपने तीसरे ओवर के साथ बल्लेबाज टेची डोल जो कि 12 गेंदों पर 4 रन बनाया है। आक्रामक खेलने की कोशिश कर रहे हैं बट उन्हें जगह ही नहीं दी जा रही है, काफी प्रेशर पे नजर आ रहे हैं डोल। मिराज जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हवाई यात्रा कराने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने लेकिन मिस हो गए हैं। यहां पर रोमांचक मैच होता हुआ एबी ग्राउंड दोईमुख में, यहां पर काफी बेहतरीन गेंदबाजी। यहां फिर से बीट हो गए हैं डोल, फर्स्ट डाउन उतरे थे, 15 गेंदे खेल चुके हैं, बस 4 रन बनाए हैं। एक प्रेशर क्रिएट होता हुआ यहां पर, फिर से डॉट। तानी हंटर्स के लिए बहुत गंभीर स्थिति बनता हुआ, दो ओवर में जहां 20 रन थे अब वही स्कोर, नो बॉल, नो बॉल दिया है यहां पर मिराज ने। फ्री हिट, तेजी डोल का हाथ खोलने का मौका दिया था लेकिन फिर से बीट हो गए हैं। काफी कोशिश कर रहे हैं तेजी डोल यहां पर बाउंड्री निकालने का बट बाउंड्री निकल नहीं रही उनसे। डॉट पे डॉट होता जा रहा, प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है यहां पर। मिराज की शानदार गेंदबाजी, और ये आउट। मिराज ने अपना पहला विकेट ले लिया है। मिड ऑफ पे उड़ा के खेलना चाहते थे बट सर्कल क्रॉस नहीं किया बॉल और मिड ऑफ के फील्डर ने एक शानदार सा कैच पकड़कर तेची डोल की पारी को समाप्त किया। 17 गेंदों पे, माफ कीजिएगा, 18 गेंदों पर तेची डोल 4 रन बना के पवेलियन की तरफ जाते हुए। बहुत ज्यादा नाखुश होंगे अपने आप से वो, जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं लंबे लंबे हिट लगाने का, वो लगा नहीं। शिवम आते हैं बल्लेबाजी करते हुए, अब काफी अच्छे फॉर्म में है शिवम, देखते हैं क्या होता है। पावर प्ले की आखिरी गेंद, 31 रनों पे 3 विकेट, तानी हंटर्स। बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवम जो कि कुछ मैचों से ओपन कर रहे थे बट आज वो नीचे उतरे हैं, देखते हैं क्या वो गेम बना पाएंगे, क्या वो तानी हंटर्स को मैच जिता पाएंगे। रिक्वायर्ड रन रेट 8 की तरफ बढ़ता हुआ मिराज की आखिरी गेंद, पावर प्ले की आखिरी गेंद। अंदरूनी किनारा, करीबी मामला हो सकता था, पावर प्ले समाप्त होता हुआ, 31 रनों पे 3 विकेट, तानी हंटर्स। अल्फाबेट ग्रुप ऑफ स्कूल निर्जुली दोईमुख नहरलगुन करीसंगा और जीरो में है। फैसिलिटीज कुछ इस प्रकार है, डिफरेंट स्कूल एज पर योर कन्वीनियंस, सेपरेट स्कूल फॉर गर्ल्स बॉयज प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी,
एक्टिव प्रमोटर्स ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, क्वालिटी एजुकेशन विद मिनिमम फीस, 24/7 सीसीटीवी सर्वेलेंस इन होल कैंपस, हरी अप एडमिशन स्टार्टेड इन ऑल ब्रांचेस विद ग्रेट डिस्काउंट ऑफर्स। जाए अपने बच्चों को एडमिशन कराए, आगे पढ़ाए। बहुत ही शानदार मैच होता हुआ, बॉल डालने हैं डेबिया जो कि मेडन ओवर फेंके हैं, पिछला ओवर अपना दूसरा ओवर लेके आए हैं। टूमा को बॉल डालेंगे, फील्डिंग में बहुत सारी तब्दीली होती हुई यहां। डेबिया टू टूमा, सातवें ओवर की पहली गेंद, ड्राइव करने की कोशिश की थी, अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का और सीधा बॉलर के हाथों में। काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं देबिया यहां पर, जो कि अपने एक ओवर में कोई रन ना देकर एक विकेट चटका था। फिर से डिफेंस कर दिया है यहां पर टूमा ने, उन्हें स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करनी चाहिए। स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे तो रन बनाना काफी मुश्किल होगा। डेबिया टू टूमा अगेन, तीसरी गेंद, हिट लगाने की कोशिश की लेकिन फिर से डॉट बॉल। 81 गेंदों में 110 रन का लक्ष्य, जो कि धीरे धीरे मुश्किल होता हुआ तानी हंटर्स के लिए, जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी और पोमा ट्राइडेंट्स को मात्र 140 रन पे रोका था। बड़ी हिट लगाने की दोबारा से कोशिश, फिर से नाकाम रहे बल्लेबाज टूमा। 8 गेंदों में अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पर काफी ओवरकास्ट कंडीशन में। मीडियम पेसरों ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की है, हल्की सी स्विंग सीम। बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी, फिर से बीट हो गए हैं। यहां पर 5 गेंदे डॉट करा चुके हैं डेबिया, क्या वो बैक टू बैक मेडन दे सकते हैं? प्रिडिक्ट कीजिए कि वो बैक टू बैक मेडन दे सकते हैं क्या? आखिरी गेंद डेबिया की, क्या वो मेडन दे पाएंगे? नहीं, यहां पर एक रन दे दिया है डेबिया ने, लेकिन काफी बेहतरीन गेंदबाजी डेबिया द्वारा। टूमा एक रन से अपना खाता खोले, जिनके लिए उनको 11 गेंदों की आवश्यकता लग गई है। 7 ओवर की समाप्ति पे 32 रन 3 विकेट।
नए गेंदबाज अंकित। अरे दोस्त को बोले थे नहीं जा। काफी किफायती गेंदबाजी करते हुए अंकित अपने दो गेंदों में एक रन दिया है। अच्छे गेंदबाज है अंकित। कट करने की कोशिश अंकित की गेंद पर पॉइंट के हाथों पे नो रन। शिवम यहां बैटिंग करते हुए, उन्हें ही पूरा खेलना पड़ेगा अगर तानी हंटर्स जीतना चाहते हैं तो। थर्ड मैन दिशा पे गेंद जाती हुई बाउंड्री सीमा रेखा की तरफ, देखते हैं रोका है कि नहीं। बहुत ही बेहतरीन प्रयास यहां पर फील्डर द्वारा थर्ड मैन पे। काफी बेहतरीन फील्डिंग यहां पर। और ये आउट, बड़े नाखुश यहां पर शिवम, बहुत ज्यादा नाखुश यहां पर शिवम अंपायर के डिसीजन से। बट यहां डीआरएस नहीं है, पवेलियन की तरफ रुख करना होगा शिवम को। बहुत ही अच्छी और सधी हुई गेंदबाजी अंकित द्वारा, गलत शॉट चूज कर लिया। तेची तानिया जो कि नए बल्लेबाज आ रहे हैं तानी हंटर्स के। अंकित ने काफी सधी हुई गेंदबाजी करते हुए शिवम का विकेट चटकाया और तानी हंटर्स को और ही गहरे में डाल दिया है कि कैसे चेज होगा ये रन। फ्लाइटेड गेंद अंकित द्वारा नो रन। यहां पर थोड़ा रन रेट देखना पड़ेगा बैट्समैन को, क्योंकि Grow your brand, advertise with us, contact us at 9680303088। नए बॉलर आए हैं तेची रोनल, अच्छी गेंदबाजी करते हैं युवा खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश के, मीडियम पेसर।
जंगल एंड से बॉल डालते हुए। फिश फार्म एंड से बॉल डालते हुए तेची रोनल। हवाई यात्रा कराने की कोशिश की बल्लेबाज ने टुमा जो जो कि 14 गेंदों में मात्र 2 रन बनाया है। काफी प्रेशर में होंगे। रोनल्ड जो कि बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, युवा खोज है यहां के अरुणाचल प्रदेश के। टुमा 14 गेंदों में मात्र 2 रन, काफी कोशिश कर रहे हैं कि बाउंड्री तक बॉल पहुंचाई जाए बट नहीं पहुंच रही। थर्ड मैन के ऊपर से टॉप एज लग दिया है, 4 रन यहां पर। तुमा ने अपनी पहली बाउंड्री अर्जित की है रोनल के गेंद पे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बाहरी किनारा लगा, थर्ड मैन के ऊपर से 4 रन। मिराज भाई के नन्हे कदम जो कि बॉलों तक पहुंच नहीं पाए। टुमा वापस स्ट्राइक पे, 6 रन बना के खेल रहे हैं। उन्हें पूरा खेलना होगा ताकि उनकी उनकी टीम सीमा रेखा के पार जा सके। तेची रोनल ने फिर से ऑफ स्टंप के बाहर बॉल डाली थी, काउस कॉर्नर पे मारा हुआ शॉट, 1 रन। अच्छी फील्डिंग क्षेत्र रक्षण द्वारा 8.2 ओवर में 40 पे 4। सीधा मार दिया है और बेहतरीन, देखते हैं 4 रन हो गया है लग रहा है। हाँ 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 जी, ये 4 रन हो गया है। मिस फील्ड कर दिया है फील्डर ने। यहां पर फील्डरों को बॉलर का साथ देना पड़ेगा। मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा पे मार दिया है, 2 रन की मांग की है यहां पर। अच्छे थ्रोने पे हो सकता है, देखेंगे यहां पर अंपायर का इशारा क्या होगा। अच्छा, थर्ड मैन पे दे दिया है, थर्ड अंपायर को देखना होगा। रन आउट हो गए हैं बैट्समैन। ऐसा लग रहा था कि अच्छा खेल रहे, अभी बाउंड्री आई थी। जोखिम लेने की जरूरत नहीं थी यहां पर। आखिरकार आए हैं कप्तान बल्लेबाजी करने B2। पुंगमी पुंगते रिजॉर्ट, अपने फैमिली और अपने बच्चों के साथ जाइए, समय बिताइए। पवेलियन टीवी द्वारा ये लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है।
इस मैच का लुफ्त आप YouTube पे pavilion.tv पे देख सकते हैं, उठा सकते हैं। काफी बेहतरीन मैचेस यहाँ हो चुके हैं, हाइलाइट्स भी आप वहां देख सकते हैं। स्कोर कार्ड जो कि मैचेस का है वो pavilionplay.com पे मिल जाएगा। 45 रन, 5 विकेट, रोनल की आखिरी गेंद। काफी बेहतरीन फील्डिंग यहां पर, काफी बेहतरीन फील्डिंग। एक रन चुराया लेकिन बहुत ही खतरनाक हो सकता था अगर ये सही थ्रो होता तो। pavilionplay.com पे जाकर आप लाइव स्कोर कार्ड देख सकते हैं, लीडर बोर्ड चेक कर सकते हैं, पॉइंट टेबल्स भी देख सकते हैं। वापस से आ गए अंकित, जो कि दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर हैं, बीटू को बॉल डालते हुए। तानी हंटर्स जो कि 9 ओवरों में 46 पे 5 है। रक्षात्मक तरीके से खेला है बीटू ने, अंकित को कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। 5 विकेट गिर गया है 46 रनों पर, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, बहुत ही खराब गेंद बॉलर द्वारा। अंकित जो कि पिछला ओवर बहुत अच्छा डाले थे, इस ओवर में भी काफी किफायती गेंदबाज कर रहे हैं। उड़ा के बॉल, फ्लाइटेड बॉल, हवाई यात्रा कराने की कोशिश की थी टुमा ने लेकिन नाकाम हुए। 17 गेंदों पे 7 रन मात्र बना के खेल रहे हैं, उन्हें अपने स्ट्राइक रेट पे थोड़ा ध्यान देना होगा। वाइड गेंद, बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण यहां पर फील्डर द्वारा, वाइड का इशारा करते हुए अंपायर। 3 रन मिलेंगे यहां पर तानी हंटर्स को। हवाई यात्रा कराने की कोशिश की थी, सही एंड पे थ्रो करते तो कुछ बन सकता था, लेकिन एक रन चुराने में सफल हुए बल्लेबाज बीटू यहां पर फेस करते हुए अंकित को। मिड विकेट की दिशा पे मारा है, फील्डर तैनात, एक रन। स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ, तिरपन रन पे 5 विकेट, 9.4 ओवर। फ्री हिट का इशारा, नो बॉल।
उड़ा के खेला, हवाई यात्रा कराने की कोशिश बैट्समैन द्वारा। बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं पोमा ट्राइडेंट्स। विकेट कीपर मिस कर गए हैं, दो रन लेने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज, यहां पर देखते क्या होता है और दो रन चुरा लेंगे। 22 का इशारा अंपायर द्वारा, विकेट कीपर ने मिस कर दिया है। ओवर की समाप्ति। अल्फाबेट हॉस्पिटल जो कि मेन रोड निर्जुली पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में है, जो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज जैसे कि 24/7 सर्विस, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, डिजिटल एक्सरे, हेमाटोलॉजी लेबोरेटरी, ओपीडी, आईपीडी और फार्मेसी की सुविधा देता है। अल्फाबेट हॉस्पिटल 58 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यहां बीटू काफी कोशिश कर रहे हैं लेकिन रन नहीं बना पा रहे। खैर 5 विकेट उनके भी जा चुके हैं, 58 रनों पे 5 विकेट, 59 बॉल्स पे 83 रन्स की आवश्यकता यहां पर तानी हंटर्स को। देखते हैं बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, कप्तान को कप्तानी पारी खेलनी होगी। लॉन्ग ऑन की दिशा पे मारा है 1 रन। रोनल को बहुत ही यहां 1 रन लेने की कोशिश कर रहे, देखते क्या होता है, फिसल गए यहां पर फील्डर। आउटफील्ड थोड़ा सा वेट, पिछले रात काफी बारिश हुई थी। हम क्रेडिट देना चाहेंगे ग्राउंड्समैन ऑफ पीडीसीए जिन्होंने बेहतरीन काम करते हुए इस ग्राउंड को सुखाया ताकि अगला मैच ये मैच हो सके। रोनल्ड की अगली गेंद बीटू को, निया की थ्रो जो कि टूमा के पैरों पे जा लगी, थोड़े दर्द में है टूमा। पवेलियन टीवी यूट्यूब पे आप इस मैच का मजा आनंद उठा सकते हैं जो कि तानी हंटर्स और पोमा ट्राइडेंट्स के बीच खेला जा रहा है।
जी हाँ, काफी तेज थ्रो था निया का, वो चांस भी था एक निया के लिए रन आउट का, लेकिन बल्लेबाज का कोई इंटेंशन नहीं था उस बॉल को रोकने में। काफी ज्यादा तेज लगी होगी बल्लेबाज के, काफी दर्द महसूस कर रहे होंगे इस वक्त। जी हाँ, देख सकते हैं हम अपने विजुअल्स में, एकदम से काफी दर्द महसूस किया, लेकिन अच्छी बात यह है कि वापसी ग्राउंड की तरफ चलते हैं और मैच शुरू करते हैं। वाइट बॉल मिस किया, एक रन अतिरिक्त। रोनल बॉल डालते हुए बिट्टू को, बैक फुट पे जाके डिफेंस किया, एक रन। थ्रो किया एक रन के लिए, रन रेट 5.9, रिक्वायर्ड रेट इज 8.4, टारगेट इज 141। रोनल टू टूमा हवाई यात्रा कराने की कोशिश की थी, थर्ड में दिशा पे गेंद, एक रन। बहुत मुश्किल लगता हुआ यहां पर बिट्टू, अल्फाबेट ग्रुप ऑफ स्कूल्स निजुली दोईमुख नहर लगून कारसिंगसा और जीरो में है, डिफरेंट स्कूल एज पर योर कन्वीनियंस, सेपरेट स्कूल फॉर गर्ल्स बॉयज प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी, एक्टिव प्रमोटर्स ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, क्वालिटी एजुकेशन विद मिनिमम फीज, 24/7 सीसीटीवी एसआरवी सर्वेलेंस इन होल कैंपस, हरी अप, एडमिशन स्टार्टेड इन ऑल ब्रांचेस विद डिस्काउंटेड ऑफर्स। गेंदबाजी में बदलाव, अब आए हैं नाबम निगम बॉल डालने के लिए, देखते हैं यहां पर वो किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। लेग स्पिनर है वो, नगम निगम टू टूमा, देखते हैं इस ओवर में कितने रन वो जुटा सकते हैं। पहली गेंद, फ्लाइटेड गेंद, कट करना चाहते थे पॉइंट दिशा की तरफ, कोई रन नहीं। फ्लाइटेड गेंद, फिर से गेंदबाज के हाथों में मार दिया है, कोई रन नहीं। फिर से फ्लाइटेड गेंद, मिड विकेट लॉन्ग ऑन की दिशा पे मार दी है, एक रन चुरा लिया है बल्लेबाज ने। नाबम निगम जो कि काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, तीन गेंदों पे मात्र एक रन दिया है। बिट्टू है स्ट्राइक पे, हल्की सी टर्न ले ली गेंद ने, बाल बाल बचे बिट्टू, बाहरी किनारा, एक रन।
बहुत ही इजी पेस पे ये गेंद ये गेम जाती हुई आगे। मारने की कोशिश की थी टूमा ने, लेकिन 26 गेंदों पे मात्र 13 रन बनाए हैं 50 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए, जो कि T20 के हिसाब से बहुत ही स्लो है। उन्हें आखिरी तक खेलना पड़ेगा ताकि उनकी टीम जीत सके। यहां पर फिर डॉट, अब रन रेट 9 का छूता हुआ, जबकि 5 ही विकेट शेष रह गए हैं यहां पर। अब लगता है तानी हंटर्स के लिए जो राह बहुत पुंगमी पुंगते रिजॉर्ट एक्सपीरियंस अल पैरेलल सर्विस एट अ रिजॉर्ट, प्लीज अपने फैमिली मेंबर्स बच्चों को ले जाएं, घुमाएं और एंजॉय करें, अपना वीकेंड रिजॉर्ट में बिताएं, काफी रिलैक्सिंग होगा, कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। पुंगमी पुंगते रिजॉर्ट। बॉलर आए हैं धोनी, ये वो धोनी नहीं जो कि सीएसके के लिए खेलते हैं, ये अरुणाचल के अपने धोनी हैं। वाइड बॉल, वाइड बॉल धोनी द्वारा। धोनी को हमारे एमएस धोनी जैसा दिमाग लगाना पड़ेगा। 7 नंबर की जर्सी पहने हुए धोनी, उन्हें अपनी टीम के लिए यह मैच जीतना पड़ेगा, अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। हवाई यात्रा कराने की कोशिश की है, देखते हैं, और ये 6 रन, तुमा ने 6 रन लगा दिए हैं धोनी को। तुमा को आखिरी तक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर तानी हंटर्स को यह मैच जीतना है। यहां पर अब कमेंट्री चेंज होता हुआ, पवन कमेंट्री करेंगे। हेलो, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे हमारे माननीय श्री सितेश दास जी का, जो अरुणाचल प्रदेश के रणजी ट्रॉफी के प्रेजेंट टाइम के खिलाड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस ऐतिहासिक मंच पे बोलने का जो मौका दिया है कमेंट्री का। और ये हॉर्बिल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जो अरुणाचल प्रदेश के पपमपुरा डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, ये पूरी कमेटी और पूरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसने इतने बड़े मंच पे इतने बड़े टूर्नामेंट का आयोजन कराकर इस डिस्ट्रिक्ट और पूरे प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाए हैं। चले मैच के तरफ, तो मुकाबला अब उस मोड़ पे आ खड़ा हो चुका है जहां पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करनी होगी यहां पर तानी हंटर्स को, अगर इस मुकाबले को जीत। देखिए मेरी आवाज सुनते ही गेट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, बहुत बेहतरीन बाउंड्री यहां पर तुमा के द्वारा। थोड़ा सा समय जरूर लिए हैं अपने आप को विकेटों पे, लेकिन उसके बाद अब उनके बल्ले का मुख खुलता हुआ। अगली गेंद कट कर दिया है फील्डर उसके नीचे, यहां पर थोड़ा सा तेज रन प्राप्त करना होगा, थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी क्योंकि मैच जो है वो बिल्कुल उस मोड़ पे आखड़ा है जहां से अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से उठा दिया है फील्डर उसके नीचे है, और कैच आउट कराया इस समय कैप्टन के हाथों में, सीधा कैच आउट होकर पवेलियन जाएंगे इस समय तुमा। 31 बॉल 23 रन, अपने टीम के लिए 23 रनों का योगदान दिया है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी।
हालांकि थोड़ी सी और तेज गति की बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन अब आने वाले बल्लेबाजों पर बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है अगर इस मुकाबले को जीतना है तानी हंटर्स को और अपने आप को प्ले ऑफ में अगर अगर अपने टीम को यहां पर जीत दर्ज कराना है तो कहीं ना कहीं जो चिराग नाम के बल्लेबाज इस समय ग्राउंड के बीचों बीच मौजूद है उन्हें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने होगी, अपने विकेट को सेफ रखते हुए रनों की गति को बढ़ाना होगा। अब इसके बाद सुंदरम जैसे बड़े बल्लेबाज का आना बाकी है इस मंच पे। यहां पे तानी हंटर्स को जीतना बहुत ही जरूरी, क्योंकि पॉइंट टेबल को अगर देखा जाए तो यहां पर जीतना बहुत जरूरी है तानी हंटर को। एवा फिर से अगली गेंद बिल्कुल सुरक्षात्मक पूर्वक से खेला बिना रन के, 42 बॉलों में 62 रन। एक बार फिर से स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेला है, मात्र एक रन से ही संतुष्ट रहना होगा और एक एक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 80 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 40 बॉलों में 61 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। चिराग को बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी यहां पर अगर इस मुकाबले को जीत दर्ज करना है। वहीं पे पुमा की टीम बिल्कुल जद्दोजहद कर रही है, वो अपने जीत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोनों टीमों ने अपने आप को इस मंच पर साबित करने के लिए जद्दोजहद ग्राउंड में चलता हुआ इस समय चिराग की बड़ी भूमिका है इस मुकाबले में। यहां पर थोड़ी हल्की सी छोटी गेंद देखी और मिड ऑन ने खेल खेल दिया है, दो लेना चाहते हैं लेकिन मना किया बिट्टू कैप्टन ने। थोड़ी सी कप्तान को तेज बल्लेबाजी करनी होगी यहां पर, 12 गेंदों पर 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 81 रन बन चुका है 6 विकेट के नुकसान पे, 13.3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक बार फिर से शॉट थर्ड मैन के तरफ हल्के हाथों से खेला और मात्र एक रन। लगातार बिट्टू रनों की में इजाफा करते हुए इस समय अपने आप को ग्राउंड पे मौजूद रखे हुए हैं, वो जानते हैं कि अंत में जीत कैसे कराना है। यहां पर एक बार फिर से छोटी गेंद, चिराग लगातार सिंगल के तरफ अग्रसर इस समय, धीरे धीरे ही सही स्कोर बढ़ता हुआ, 83 रन 6 विकेट के नुकसान पे, 141 रन बनाने हैं जीत के लिए इस समय तानी हंटर को। बिट्टू की बेहतरीन शॉट लेकिन सीधा शॉट कवर पे खड़े बल्लेबाज के बल्ले से ठीक तरीके से बल्ले पर गेंद आई नहीं, नहीं तो ठीक तरीके से अगर गेंद बल्ले पर आती तो बाउंड्री लग सकता था, लेकिन थोड़े से निराश होंगे क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इनके ऊपर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं ठीक तरीके से और सीधा हाथों में कैच दे बैठे, अपना बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा विकेट गंवा बैठे यहां पर। निराश कप्तान, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर। और अब ये सातवां झटका लग चुका है
मुस्कानी हंटर्स की टीम को यह सातवां झटका लग चुका है। उसका पूरा नाम क्या भैया? पुमा। पूरा नाम क्या है टीम का? पुमा। प्रुमा ट्राइडेंट्स की टीम इस समय इस मुकाबले में कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रही है। अब दो बल्लेबाज ग्राउंड के मैदान के बीचों बीच इस समय चिराग और नए बल्लेबाज जो अभी अभी आए हैं, इनको अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि पुमा ट्राइडेंट्स की टीम इस समय कहीं ना कहीं इस मुकाबले में मजबूत स्थिति में खड़ी दिखाई दे रही है। और निगम ने ये ब्रेक थ्रू दिलाया है। अब नए गेंदबाज मैदान के बीचों बीच आए हैं, चिराग बल्लेबाजी स्ट्राइक पे और आबो अभी अभी मैदान के बीचों बीच आए हैं। 14 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 83 रन 7 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज धोनी आए हैं, नए गेंदबाज, बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। हल्के हाथों से खेला है, मात्र एक रन अर्जित करेंगे अपनी टीम के लिए चिराग। अगर इस मुकाबले को जीत दर्ज करना है तो चिराग को अंतिम दम तक बल्लेबाजी करनी होगी, अंतिम ओवरों तक बल्लेबाजी करनी होगी। इसके बाद के बल्लेबाजों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी गेंदबाजी फील्डिंग हो रही है इस समय पुमा ट्राइडेंट्स की तरफ से। देखिए ये बहुत अच्छी गेंद, लेकिन शॉट इतना ही अच्छा, सीधा फील्डर के हाथों में, कवर फील्डर के हाथों में बिना किसी रन के। बहुत अच्छी गेंदबाजी इस समय चल रही है धोनी के द्वारा। धोनी अपने टीम के लिए लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए, वहीं पर बहुत अच्छी क्षेत्र रक्षण कप्तान ने लगा रखी है। ये बार फिर से उठाकर खेला है, फील्डर उसके नीचे है और यहां पर अंपायर का इशारा 6 रन के लिए। इसी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं आबो। आते ही आते अपने तीसरे गेंद पर, दूसरे ही गेंद पर छक्का जड़ा है। इस छक्के ने बहुत ही उम्मीद जगाई है टाइटंस टनी हंटर्स के लिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस समय आबो के ऊपर। आते ही आते छक्का जड़ा है और एक हल्की सी उम्मीद जगाई है। ये बार फिर से हल्के हाथों से खेला, गली के क्षेत्र में गेंद, मिराज ने फील्डिंग किया है। मात्र एक रन से ही संतुष्ट करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। बढ़ता हुआ स्कोर 91 रन 7 विकेट के नुकसान पर 14.4 ओवर की समाप्ति के बाद। 141 रनों के पीछा कर रही है इस समय तानी हंटर्स की टीम। बहुत अच्छी गेंद कट किया है गली में, फील्डर खड़े, मात्र एक रन, हल्के हल्के हाथों से एक एक रन अर्जित करते हुए अपने टीम के लिए। धोनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय, उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं चिराग और आबो। इससे पहले विकेट गिरा था कप्तान बिट्टू का, जिन्हें थोड़ी देर और मैदान के बीचों बीच रहना चाहिए, लेकिन पुमा ट्राइडेंट्स भी संघर्ष कर रही है इस समय मैदान के बीचों बीच। एक बार फिर से बाहर फेंकी हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइट। इस वाइट के जरिए एक्स्ट्रा में बढ़ता हुआ स्कोर
93 रन 7 विकेट के नुकसान पर धीरे धीरे ही सही लेकिन रनों में इजाफा होता हुआ। मैच अगर अंतिम तक जाता है तो कुछ भी हो सकता है। एक बार फिर से उठाकर खेला है, फील्डर उसके नीचे है, क्या यहां पर बाउंड्री नहीं हो पाएगी, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग, मात्र एक रन, इस एक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 94-7 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर की समाप्ति के बाद। अब यहां से कड़ी मशक्कत करनी होगी, अगर तानी हंटर्स को जीतना है तो वहीं पे क्षेत्ररक्षण और गेंदबाजी के तुलने में अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी और अच्छी क्षेत्ररक्षण करनी होगी पुमा। की टीम को, दोनों ही टीम इस ग्राउंड में जद्दोजहद करते हुए अपने जीत दर्ज करने के लिए, बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ हॉर्नबिल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पापमपुरा डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। इस पापमपारे के डिस्ट्रिक्ट में एक खूबसूरत सुनहरा ग्राउंड, क्या गजब का नजारा है इस ग्राउंड का, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के वादियों के बीच को बीचों बीच ये ग्राउंड सजाया गया है। और इस टूर्नामेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही भव्य और सुंदर टूर्नामेंट कराया जा रहा है इस समय अरुणाचल प्रदेश के इस पापमपारे डिस्ट्रिक्ट में। पूरे हिंदुस्तान में ये लाइव मैच दिखाई दे रहा है, लोग घर 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 पे बैठे बैठे इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। और यहां पर निगम की तीसरी ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है आबो ने, और एक रन दोनों बल्लेबाजों ने इशारों ही इशारों में चुराया। यहां से मुकाबला किस तरफ करवट ले सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 29 गेंदों पे 46 रनों की जरूरत, विकेट 7 विकेट गिर चुके हैं, 3 विकेट अभी भी हाथ में। बहुत ही कड़ा मुकाबला चलता हुआ इस समय। एक बार फिर से बहुत अच्छी गेंद निगम की, लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने 2.2 ओवरों में मात्र 8 रन देकर एक विकेट झटका है। यहां पर बहुत अच्छी गेंद, एक बार फिर से स्कूप खेलना चाहते थे, कीपर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं और डॉट, लगातार डॉट गेंदों ने परेशान कर दिया है यहां पर चिराग को, जिम्मेदारी लेनी होगी। एक बार फिर से कट किया है, फील्डर उसके नीचे है, क्या यहां पर एक या दो की मांग की जा रही है, लेकिन मात्र एक रन, बहुत अच्छी फील्डिंग यहां पर पुमा की टीम बहुत अच्छी प्रदर्शन कर रही है। वहीं पर तानी हंटर्स इस समय जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है ग्राउंड के बीचों बीच, ये सुनहरा ग्राउंड, खूबसूरत ग्राउंड, बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड को सजा दिया गया है पूरे यहां पर। एक बार फिर से हल्के हाथों से खेला है मिडऑन के क्षेत्र में, वहां पर मिराज फील्डर मौजूद, एक के बाद दो रन की मांग, इस दो के साथ धीरे धीरे इसे ही बढ़ता हुआ स्कोर 98 रन 7 विकेट लॉस ऑफ तानी हंटर्स। कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इस समय तानी हंटर्स को, क्योंकि विकेट उनके हाथ में मात्र 3 है। ये मुकाबला पॉइंट टेबल के हिसाब से देखा जाए तो तानी को जीतना बहुत ही जरूरी, बहुत अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेला है, मात्र एक रन, और यहां पर ओवर थ्रो के रूप में एक रन और अर्जित किया है, तो 2 रन मिलेंगे यहां पर तानी को। और इससे 2 के साथ एक सेलिब्रेशन पूरा हो चुका है, 100 रन पूरे हो चुके हैं यहां पर तानी के।
ओवर की समाप्ति, 3 ओवर में निगम ने मात्र 13 रन खर्चे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता अर्जित किया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के लिए। अभी भी 3 बल्लेबाज आने बाकी है और बड़ी जिम्मेदारी है बल्लेबाजों पे इस मुकाबले को के नजरिए से। वहीं पर गेंदबाजों को देखा जाए तो बहुत अच्छी गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण की है यहां पर पुमा की टीम ने। बिल्कुल बखूबी अपने जिम्मेदारी को निभाया है इन्होंने और चारों तरफ से पहाड़ों के बीच घिरा हुआ यह खूबसूरत सा ग्राउंड एबी स्पोर्ट्स स्टेडियम पपम पारे डिस्ट्रिक्ट में, इस पहाड़ियों के वादियों में इतने खूबसूरत ग्राउंड को सजाना और सुसज्जित करना, जिन्होंने भी इस ग्राउंड को सजाया है मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। कितनी कड़ी मेहनत की होगी उन्होंने इस ग्राउंड को सजाने और बनाने में। यहां पर पत्थरों के बीच घास को उगाया है, गजब की कड़ी मेहनत। अब यहां पर याब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, कप्तान खुद जिम्मेदारी लिया है इन्होंने। 9 बॉल का इशारा, ये एक लाइसेंस दे दिया है यहां पर याब ने। यहां पर 2 रन भी मिले और बिना किसी गेंद के, और एक लाइसेंस प्राप्त कर दिया है बल्लेबाज को इस गेंद पर खुलकर आजादी से बल्लेबाजी कर सकते हैं बल्लेबाज, आउट होने का कोई डर है नहीं। ये गेंद तय करेगी यहां पर तानी हंटर की भविष्य को। अगर इस पे बड़े शॉट आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की सांस जरूर लेगी तानी हंटर्स, और बड़े शॉट लाना ही चाहिए क्योंकि यहां पर मुकाबला उस मोड़ पे आ खड़ा है। यहां पर एक आध दो बड़े शॉट आना ही जरूरी बिल्कुल तानी के टीम के नजरिए से। यहां पर स्लो वन की गेंद, फील्डर उसके नीचे, अच्छी फील्डिंग यहां पर, बहुत शानदार फील्डिंग। अपने टीम के लिए 2 रन बचाए कम से कम इस खिलाड़ी ने। जोरदार तालियों से सम्मान दिया जा रहा है उस खिलाड़ी को जिन्होंने 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। ड्राइव मारकर स्लोअर फेंकी हुई गेंद, स्लोअर को जज करना इतना आसान होता नहीं है, लेकिन या बहुत ही बढ़िया स्लोअर गेंदबाजी करते हैं, उनके अंदर तेज है, स्लो है, सभी तरह की गेंदबाजी करना जानते हैं। बहुत अच्छी गेंद उठाया है फील्डर, उसके नीचे है क्या यहां पर, नहीं, 2 रन। एक बार फिर इस गेंद पे भी 2 रन अर्जित किया है बल्लेबाजों ने, तो 2 गेंदों पर 6 रन अर्जित हो चुके हैं। अब धीरे धीरे ऐसे ही रनों की गति बढ़ती हुई, अगर दोनों बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की तो यहां पर तानी हंटर को जीत दिला सकते हैं। वहीं पर पुमा के खिलाड़ी भी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कप्तान बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय याब, जो अरुणाचल प्रदेश से रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली, विजय हजारे सारी ट्रॉफियों को खेलते हैं, बड़े खिलाड़ी। बहुत अच्छी गेंद एक बार फिर से उठाया है फील्डर, उसके नीचे है, 2 के लिए जाना चाहेंगे लेकिन खतरे के छोर पर खड़े हैं, मात्र 1 से ही संतुष्ट रहना होगा। अब स्कोर 107 रन 7 विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी से बल्लेबाजी निभाई है इस समय, इसी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी अगर टीम को जीत दर्ज कराना है। और ये मुकाबला पॉइंट टेबल के अगर हिसाब से देखा जाए तो तानी को अगर प्ले ऑफ में बने रहना है तो ये मुकाबला जीतना ही होगा। बहुत अच्छी गेंद, स्लोअर वन की गेंद, अंपायर का इशारा वाइट, दोनों हाथों के उड़ती हुई चिड़िया के पंखों की तरफ फैलाया है अंपायर ने, और वाइट का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा में 1 रन का इजाफा और टोटल स्कोर में 1 रन का इजाफा होता हुआ 108 रन बन चुके हैं। पुमा की टीम बहुत ही बेहतरीन टीम है, बहुत ही लाजवाब, कल इन्होंने 208 रन बनाकर
पानी और टाइटन को हराया था। बहुत अच्छी गेंद ड्राइव किया है पॉइंट फील्डर के पास, दो रन लेना चाहेंगे और क्या दो रन हो भी जाएगा। बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और दो रन अर्जित किए हैं। इस धीरे धीरे ही सही अपने रनों का इजाफा करते हुए, अपने विकेटों को सेफ रखते हुए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। या क्या करें, गेंदबाजी ही कर सकते हैं, फील्डरों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। एक बार फिर से अच्छी गेंद, डॉट की तरफ जाएगा यह गेंद, शॉट खेलना चाहते थे चिराग लेकिन गेंद बल्ले पर आए नहीं। चिराग अभी भी 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर बल्लेबाजी करे, वहीं आबो की बात की जाए तो 10 गेंदों पर 18 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहीं पर याब बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से गेंदबाजी करते हुए, एवा फिर से ड्राइव किया है, मिड ऑफ के फील्डर खड़े हैं, एक रन अर्जित करेंगे। ओवर की समाप्ति, 17 ओवर की समाप्ति के बाद 111 रन 7 विकेट के नुकसान पर, यहां से बनाने होंगे 3 ओवरों में 3 बल्लेबाज ग्राउंड के बीचों बीच आना शेष, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं। दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी होगी। अगर इस मुकाबले के नजरिए से देखा जाए, वहीं पर पुमा की टीम लगातार अपने फील्डरों में फेरबदल करती हुई लगातार संघर्ष कर रही है, अपने टॉप क्लास के गेंदबाजों को इस समय गेंदबाजी के लिए ला रहे हैं कप्तान आबो याब, माफ करिएगा याब, अपने उस गेंदबाज पे विश्वास जताया है जिन्होंने लगातार अच्छी गेंदबाजी की है। 3 ओवरों में 30 रन, जीत के लिए चाहिए 3 विकेट शेष बचे हैं। मैच दोनों तरफ चलता हुआ इस समय कुछ कहा जा नहीं सकता है कि मैच किस तरफ करवट लेगा, यह भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। दोनों ही टीम इस मुकाबले को जीतना चाहेगी, दोनों टीमों के नजरिए से मुकाबला बहुत अहम चलता हुआ। हमारे दोनों अंपायर की मैं बहुत काबिले तारीफ करना चाहूंगा, कड़ी मेहनत कड़ी मशक्कत, लगातार 40 ओवरों तक अंपायरिंग करना, खड़े होकर पैनी निगाहें एक एक बारीकियों पर ध्यान देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अंपायरों की। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों ही अंपायर जिन्होंने बखूबी जिम्मेदारी निभाया है। वहीं पे स्कोरर बहुत अच्छी गेंद, यहां पर गेंद टप्पे खाने के बाद थोड़ी सी और गति बढ़कर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, यहां जिम्मेदारी चिराग को लेनी होगी, अपने ऊपर मैच को लेकर चलना होगा क्योंकि बहुत बड़ा मंच है ये, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर अपने टीम को प्ले ऑफ में पहुंचाना चाहते हैं तो ये मुकाबला उनके नजरिए से जीतना ही होगा। ये बेहतरीन शॉट, फील्डर उसके नीचे हैं, थ्रो करना चाहते थे लेकिन मना किया कीपर। अब 16 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत, दिव्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी, 2.2 ओवर में मात्र इन्होंने 2 रन दिया है और 1 विकेट झटके हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी है इनको ऊपर क्योंकि सबसे अच्छी गेंदबाजी अभी तक इन्होंने की है अपने टीम के नजरिए से। लगातार फील्डिंग में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि यहां पर क्लीन बोल्ड कर दिया है। अब वो जो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे 10 गेंदों पर 18 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया है। स्कूप खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पर आए नहीं और सीधा स्टंप को ले चुमी। बहुत बड़ा विकेट यहां पर इस मंच पे
अब उन्हें बहुत बड़ी गलती कर दी। सीधे बल्ले से बहुत अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन स्कोप खेलने के चक्कर में गेंद बल्ले पर नहीं आए, सीधे विकेटों पर जा लगी। एक बार रिप्ले देखा जाए, क्या बेहतरीन गेंद, क्या लाजवाब गेंद। गेंद हल्की सी अंदर की तरफ आई, विकेट को छोड़ रखे थे और विकेट ले उड़ी गेंद। अब जिम्मेदारी दी गई है उस बल्लेबाज को जिस बल्लेबाज के ऊपर बहुत विश्वास जताया है कप्तान बिट्टू ने। अब उस बल्लेबाज पे भरोसा जताया है जिस बल्लेबाज पे बहुत विश्वास है कप्तान बिट्टू को। अगर ये बल्लेबाज यहां से मैच ताना तगम बल्लेबाजी खेलने के लिए आए हैं, पहली ही गेंद बहुत बड़ी हिट लगाना चाहते थे, लेकिन यहां पर गेंद बल्ले पर नहीं आई। लगातार मैं तारीफ करूंगा उस गेंदबाज का जिन्होंने मात्र 2 रन अभी तक दिए हैं। तीसरी ओवर प्रगति पर है उनकी। एक बार फिर से बहुत अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए देबिया लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 2.5 ओवर की गेंदबाजी इन्होंने की है, मात्र 2 रन दिए हैं और 2 बड़े महत्वपूर्ण सफलता अर्जित किया है अपने खाते में। यहां से थोड़ी सी मुश्किल की घड़ी दिखाई दे रही है मुझे। जो आबो का विकेट गिरा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही एबा फिर से उठाया है फील्डर उसके नीचे, लेकिन फील्डर को पार करती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। अंपायर का इशारा आता हुआ सीधा 4 रन, बहुत ही बेहतरीन बाउंड्री, बहुत सही समय पे ये बाउंड्री आई है। ऑफ साइड में हल्की सी गेंद देखी, बल्ले को चलाया पॉइंट के ऊपर से गेंद, फील्डर को कोई मौका नहीं यहां पर और सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस 4 रन के साथ थोड़ी सी राहत की सांस जरूर मिली होगी तानी को। अब सारी जिम्मेदारी आन पड़ी है उस बल्लेबाज की जिस बल्लेबाज का नाम है चिराग। क्या अपने टीम के लिए वो चिराग जला पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, वहीं पर कप्तान खुद याब ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। मुझे वो घड़ी याद आती है जहां पर बिट्टू कप्तान का जो विकेट गिरा था, अगर कप्तान थोड़ी देर और खेलते, हालांकि उनके बल्ले पर गेंद आई नहीं थी, थोड़ी देर और बल्लेबाजी करते तो निश्चित तौर पे वो बल्लेबाज अपने टीम को जीत के दहलीज पर ला खड़ा कर सकते थे। इनकी इतनी खूबसूरत बल्लेबाजी है। बारह गेंदों पर 25 रन चाहिए यहां पर। अब यहां पर ओवर थ्रो के रूप में रन मिलेगा क्या, 1 मिलेगा 2 मिलेगा, मात्र 1 रन मिलेगा ओवर थ्रो के रूप में। रन आउट करना चाहते थे याब, लेकिन स्टंप पर गेंद न लगने के बजाय सीधा ओवर थ्रो के रूप में 1 रन अर्जित हुआ। ग्यारह गेंद 24 रन जीत के लिए चाहिए। स्लोअर वन की गेंद खेला है, उस गेंद को मिड ऑन के फील्डर बाउंड्री लाइन से बाहर, माफ करिएगा, बाउंड्री लाइन से भाग कर आ रहे हैं और मात्र 1 रन अर्जित किया है। अब चिराग कहीं ना कहीं अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर रखने का प्रयास करते हुए, क्योंकि मुकाबला उस मोड़ पे आ खड़ा है जहां पर चिराग को लंबे लंबे शॉट्स जरूर लगाने होंगे, क्योंकि लंबे शॉट्स ही मैच को जिता सकते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद याब कप्तान की, तेज गति की गेंद,
देखिए याप के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये गेंदबाज स्लोअर वन का इस्तेमाल भी करते हैं, तेज गति की गेंदबाजी। इनका टप्पा जो है वो मुझे बहुत ही एक बार फिर से उठाया है गेंद को मिड ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर भाग कर आए लेकिन मात्र एक रन, इस एक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बहुत ही धर्म संकट में पड़ गई है इस समय तानी हंटर्स की टीम। क्या होगा इस मुकाबले में कुछ कहना मुश्किल दिखाई दे रहा है। पपमपुरा इस समय जरूर ये यहां पर फुल टॉस की गेंद, क्या फील्डर ने बहुत अच्छी फील्डिंग की, अंपायर के तरफ बल्लेबाजों ने निगाहें दिखाई हैं कि डिसीजन का इंतजार कर रहे थे कि, लेकिन बहुत अच्छी गेंद यहां पर, अच्छी गेंदबाजी यहां पर याप कप्तान के द्वारा, बिल्कुल जिम्मेदारी से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस गेंद को बाउंड्री जरूर भेजना चाहिए था, फुल टॉस की गेंद थी, लेग साइड में तीन फील्डर मौजूद। एक बार फिर से हल्के हाथों से खेला है, सिंगल अर्जित करेंगे चिराग। ओवर की समाप्ति, 19 ओवर की समाप्ति के बाद 121 रन 8 विकेट के नुकसान पर, अब 8 विकेट गिर चुके हैं, मात्र 2 विकेट शेष, 6 बॉलों में 20 रन, 3 बड़े हिट लगाने होंगे चिराग को अगर इस मुकाबले में जीत दर्ज करना है तो। लेकिन गेंदबाजी के लिए वो गेंदबाज आ रहे हैं जिन्होंने मात्र 3 ओवर में 2 रन खर्चे हैं और 2 बड़े सफलता अर्जित किया है। छह बॉलों में 20 रन चाहिए जीत के लिए तानी हंटर्स को अगर इस मुकाबले को जीत दर्ज करना है। वहीं पर पुमा की टीम को सेव करना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। अब ये पहली गेंद और सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए, बहुत ही बेहतरीन शॉट यहां पर देखा जाए स्क्रीन के ऊपर, सीधा अपने आप को विकेटों पे लाया और स्कूप खेल दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं थे और पहली गेंद पर 4 रन अर्जित किया है यहां पर चिराग ने। अब चाहिए 5 गेंद 16 रन जीत के लिए। एक बार फिर से वही शॉट और गेंद इस बार थर्ड मैन दिशा के तरफ 4 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट चिराग के बल्ले से, इन दोनों गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया है और अब बहुत ही जिम्मेदारी से अपने टीम की उम्मीदों को जगाया यहां पर चिराग ने। वो जानते हैं कि रन किधर बन सकता है क्योंकि फील्डरों को ऊपर रखा गया है। बहुत अच्छी गेंदबाजी इस समय देबिया, एक बार फिर से अंपायर का इशारा, व्हाइट अपने दोनों हाथों को पंखों के माफिक हवा में फैलाते हुए इस समय अंपायर
यहां पर चाहिए अब 4 गेंद 11 रन, कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। दो बड़े शॉट्स आ चुके हैं, पहले 2 गेंदों पर एबा फिर से शॉट खेला है, फील्डर उसके नीचे है, मिराज 1 रन अर्जित किया यहां पर। अब 3 गेंद 10 रन, 3 गेंदों पे तो शुरू के 10 रन बन चुके हैं, यहां पर 3 गेंदों पर अब 10 रन बनाने होंगे। क्या होगा इस मुकाबले में, चिराग को खुद स्ट्राइक लेना चाहिए था, चिराग बड़े खिलाड़ी, बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। बहुत ही क्रूशियल टाइम इस समय चलता हुआ, शॉट लगाना चाहते थे यहां पर, थर्ड अंपायर का इशारा अंपायर की तरफ से रन आउट के रूप में आता हुआ, देखना होगा हमारे साइड स्क्रीन पे क्या ये रन आउट है या सेफ है चिराग, क्योंकि अगर चिराग यहां पे चिराग का विकेट गिरता है तो बहुत ही धर्म संकट में पड़ सकती है टीम। देखना होगा क्या चिराग पहुंच पाए हैं या बल्ला बाहरी, लेकिन यहां पर अंपायर को अपने अंगुली को हवा में फहराना होगा और सीधा आउट का इशारा आता हुआ। बहुत ही बड़ा झटका, बहुत बड़ा झटका इस समय। ये रन आउट कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी जीत में बाधा पड़ती हुई, क्योंकि अगर चिराग 2 बॉल खेलते तो कहीं ना कहीं लंबे शॉट्स लगा सकते थे, उनके ऊपर ये काबिलियत था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं रेबी। 2 बॉल 2 बड़े शॉट चाहिए। यहां पर बिल्कुल पूरे तरीके से छकाया है गेंदबाज देबिया ने, बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। 3.5 ओवर में मात्र 16 रन खर्चे हैं और 2 बड़े झटके, अब चाहिए 1 गेंद में 10 रन। यहां पर बहुत मुश्किल में टैनी हंटर्स की टीम आ खड़ी है, अगर 9 बॉल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी गेंद, शॉट्स खेला है फील्डर उसके नीचे, मात्र 1 रन और इस मुकाबले को पुमा की टीम जीत दर्ज कर चुकी है। बहुत बहुत बधाई पुमा की टीम को, बेहतरीन जीत दर्ज किया है उन्होंने। हमारे देश में लोग सवाल बहुत करते हैं, कौन कहां क्यों कैसे, सवाल ही सवाल।
क्योंकि पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे, जानोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। तो आप भी बढ़िए, सवाल कीजिए, प्रोवो पे कीजिए, क्योंकि देश का हर जवाब है प्रोवो पर। तो आप भी कीजिए डाउनलोड। हेलो हेलो, नामो मामो दबिया जाकुम आ जाओ तो इधर पे। ना वो माबो दविया नाकुम डगआउट पे आ जाइए, कॉर्पोरेट बॉक्स पे आ जाइए प्लीज। हेलो हेलो, आवाज़ ठीक है? वेलकम टू द पोस्टमैस प्रेजेंटेशन एरिया। तो हमारे साथ आज पोस्टमैस प्रेजेंटेशन एरिया में तिची गागुंग जी, मैच की रेफरी, इस टूर्नामेंट का आपका स्वागत है। और हम मैच के समारी में बात करते हैं। मैच नंबर 27, तनी हंतर वर्सेस पोमा ट्राइडेंट्स। पोमा ट्राइडेंट्स ने टॉस को जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 140 रन बनाए, 8 विकेट गवाकर 20 ओवर में। और तनी हंटर्स ने 132 रन बनाया, 9 विकेट गवाकर 20 ओवर में। और रिजल्ट कुछ इस प्रकार है, पुमा ट्राइडेंट्स 8 रन से इस मैच को जीता। और आज के मेन इवेंट, मैन ऑफ द मैच पे हम सीधे आते हैं। और
जिन्होंने 18 रन बनाया 6 गेंदों का सामना करके, स्ट्राइक रेट 300, एक चक्के दो चक्का लगाकर और चार ओवर डाला, 17 रन दिए, दो विकेट चटका कर इकोनॉमी 4.3 का। उसका नाम है दबया न्याकुम और हमारे मैन ऑफ द मैच को प्रेजेंट करेंगे मैच रेफरी इस टूर्नामेंट के तिची कागू जी, और साथ में एक्स्ट्रा पावर एनर्जी ड्रिंक। खूबसूरत प्रदर्शन दबया न्याकुम का रहा, तो उसी के चलते उनको आज के मैन ऑफ द मैच सम्मानित किया गया। तो धन्यवाद, इतना ही था पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन।